शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अदालत में चीखना चिल्लाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपको जो कुछ कहना हो आपके वकील साहब कहेंगे। कहाँ है आपके वकील साहब? केले के छिलके पर फिसल कर आने का क्या मतलब है? योर ऑनर, मैं बहुत बड़ा फिसलू कैरेक्टर हूँ सर। मोहल्ले वाले कहते हैं कि हम खानदानी फिसलू हैं। एक बार मेरे बाप बारिश के कीचड़ में से फिसल के सीधे कोर्ट पहुँच गए थे। अचानक उनको याद आया और मेरी माँ को खर्चा पानी देना भूल गए और मेरी माँ बाथरूम में थी, डबल बी साबुन पे जो फिसली सीधे कोर्ट पहुँच गई। इसीलिए एज ए लॉयर मैं अपने क्लाइंट संजय खन्ना को पहुँचा के रहूंगा अपनी मंजिल तक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपनी बीवी अंजलि खन्ना से किसी भी कीमत पर डिवोर्स चाहते हैं और वो मैं दिला के रहूंगा। यस योर ऑनर, अब मैं इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अरे क्या, दुनिया का कोई आदमी रह नहीं सकता। ये इंसान थोड़े ही है, ये फरिश्ता है। इनसे इनका क्या रिश्ता है? योर ऑनर, मैं खुद भी तंग आ गई इस आदमी से। आप इस तरह आपस में अदालत में झगड़ा नहीं कर सकते। आपका कोई वकील है? योर ऑनर, आई एम मिस अंजलि खन्ना एडवोकेट राम करो रिपोर्टिंग। अरे ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? कितना लेगा सर, कोई लिमिट है? ले लेके तो ये हाल है। हट, सब समझ रहा हूँ। ये सब इसका कारस्तानी हमारे बेटे नेम कैरी का। जो राना ये केस हम जीतना चाह रहे थे, हमको बाथरूम में बंद करके आ गया ससुरा। लेकिन सच्चाई कभी बंद है का? हम दरवाजा तोड़ के हाथ देखा, साफ पूरा कपड़ा फटफटा गया है, कंडीशन देखा। योर ऑनर, मेरा पहला चार्ज 7 जनवरी की रात को मिसेस अंजलि खन्ना हिल्टन होटल में मिस्टर मेनन के साथ थी। यू आर रॉन्ग, 7 जनवरी की रात को मेरे क्लाइंट मिस्टर मेनन के साथ नहीं, कन्नन के साथ थी। केरी अंकल, का ज्यादा बोल दिया का? योर ऑनर, ये कन्नन कौन है? अरे केस लड़ने आए हो और कन्नन को नहीं जानते है? अरे चंदन का भाई कन्नन। अरे चंदन कौन है? मन्नन का बेटा चंदन। अब ये मन्नन कौन है? बब्बन का बाजू वाला। मगर ये बाजू वाले का इस केस से क्या लेने देना है जज साहब? देखा योर ऑनर, ये बुढ़ बकवा को तो कुछ पता ही नहीं है। दरअसल अंजलि का किसी से कोई नाता ही नहीं है। अरे कोर्ट तो इनमें है, पिछले हफ्ते इन्होंने सूचना को 11 लाख का हीरो का हार दिया। बताइए, 11 लाख का हार नहीं, मेरे क्लाइंट संजय खन्ना ने 1100 रुपए का अमेरिकन डायमंड का हार दिया था, दैट्स ऑल। अबे ये क्या बोल रहा है तू? देखा योर ऑनर, इन्होंने हार दिया मतलब इनका सुजने से भी चक्कर है। सुजने से क्या, मिलीना के साथ भी है।
ये मिलेना कौन है? अरे जो लीलीना के साथ आई थी। अरे ये लीलीना कौन है? टीना की बाजू वाली। मगर बाजू वाली का ये कैसे काले रहते ना हरे बेटे? वही जो चंदन मन्नन और बब्बन का था डैडी। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, अंडरस्टैंड? योर ऑनर, इसे कुछ भी नहीं आता है, आया केस लड़ने। मगर फिलहाल इनकी बीवी के साथ 11 लोगों का चक्कर है, 11, और इनका पति का चल रहा है चक्कर 25 चक्कर। कोई हद होती है सर, ये बाजी दली छा के पोते हैं, झूठ बोलते हैं सर, पागल हो गया है, दूसरों को भी कपड़े फाड़ते हैं और अपने भी फाड़ लेते हैं। देखो पड़ा हुआ। तुम दोनों पार्टियों ने ये साबित नहीं किया कि सच क्या है और गलत क्या है, और अदालत बगैर ठोस सबूत के कोई फैसला नहीं कर सकती, इसलिए अदालत आप दोनों को 1 महीना देती है। 1 महीने के अंदर तुम कोई ऐसा सबूत ले आओ जिससे ये साबित हो कि मोहतरमा गलत है, और मोहतरमा 1 महीने के अंदर आप ऐसा कोई सबूत ले आइए जिससे ये साबित हो कि मोहतरम गलत है, तभी अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि डिवोर्स का जजमेंट दिया जाए कि नहीं। 1 महीने में सबूत लाना है? मैं सबूत कहां से लाऊंगी अंकल? इस कोर्ट ने मुझे किस चक्कर में फंसा दिया है, मेरा काम कैसे होगा अंकल? तुम इसलिए पकड़ नहीं पाते हो ना, वो तुम्हारे डर से लड़कियों से छुप छुप के मिलता है। तो आप ही बताइए ना अंकल, मैं क्या करूं? तुम उसको बताओ कि तुम 15-20 दिन के लिए यूरोप जा रही हो। हाँ? इससे क्या होगा, उसका डर जो है तुम्हारी तरफ से खत्म हो जाएगा। हुँ? और वो लड़कियों से खुल्लम खुल्लम मिलता रहेगा, और तुम बजाय यूरोप जाने के यहाँ रहकर रंगे हाथों पकड़ लो ससुरा के। लेकिन उसको पता नहीं चलेगा मैं यूरोप नहीं गई हूँ, यहीं पे हूँ। अरे कैसे पता चलेगा, अपनी जगह सहेली भेज दो। अंकल समझ लीजिए काम हो गया, मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड थी अंजलि खन्ना, तब मैं थी अंजलि कपूर। इस इडियट से शादी करने के बाद मैं भी हो गई हूँ अंजलि खन्ना, अब तो टूर पे अंजलि खन्ना ही जाएगी। दीदी दीदी दूल्हे वाले आए हैं, और दूल्हा क्या हैंडसम लगता है। चुप, तुझे तो अपना अंडे वाला भी हैंडसम लगता है। अरे सुने काम कर, चाय की ट्रे लेके आ, और फिर देख अंजलि का कमाल। वाओ, अटेंशन, दीदी आ रही है। अरे आओ बेटी, आओ आओ आओ, इनसे मिलो। ये मिस्टर शर्मा है, मिसेस शर्मा, और ये उनका बेटा बॉबी। अरे जीती रहो, जीती रहो। हेलो, आंख मारती है? आदत है, चलिए ना, वहां अकेले में बात करनी है, चलिए ना। जाओ बेटा जाओ। हाँ लीजिए ना, पीजिए ना चाय। थैंक यू। ये आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो कल रात को ज्यादा पीली थी ना, इसलिए। क्या पीती हैं? हाँ, आधी बाटली तो रोज का कोटा है। आधी बाटली? हाँ, मूड आ गया था पूरी बाटली। सॉलिड ब्योरी है बाप। मैं क्या कहूँ, शादी के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे आपके फ्लैट का नंबर क्या है? 107। क्या इसका मतलब आज मटके में 21 से 7 आएगा? क्या आप मटका भी खेलती हैं? लो डैडी भी खेलते हैं। क्या? हाँ, लेकिन मम्मी को फ्लैट का नंबर ना बताना। क्यों? क्या है ना कि मम्मी को रेस खेलने का शौक है, अभी आपके फ्लैट का नंबर 107, अब मम्मी 1 और 7 नंबर के घोड़े पे घर का पूरा माल लुटा देगी। बाप रे, बहुत टेंशन है। ये टेंशन कुछ नहीं, इससे भी बड़ी टेंशन है। वो क्या? वो मेरे चाचा जी है ना। हाँ। वो सुपारी लेते हैं। पान वाली? उड़ाने वाली। लगता है इस फैमिली में बस एक डाकू की कमी है। वो भी नहीं रहेगी। क्या? जब आपकी और मेरी शादी हो जाएगी ना, और जब पैदा होगा ना, तो हम उसे चंबल भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए। डैडी। यस बेटा। क्या हुआ मम्मी? फिर क्या हुआ? चलिए जल्दी, इससे पहले कि हम चक्की में आटे की तरह भेज जाए, चलिए। अरे हुआ क्या है? सब कुछ सुन लिया है, चलो जी। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्कार भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। हमारी बीवी ने सब कुछ सुनिया, हमें कुछ नहीं सुनना है, चलिए। भाई साहब, अरे इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया था मैं, लड़का सीआईडी में है। डैडी, मम्मी, चाचा जी, आपको पता है कि अगर मैंने आइसक्रीम भी खाई है तो अपनी पसंद से खाई है, तो फिर मैं आपके चॉइस के लड़के के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? अगर मैं शादी करूंगी तो अपने पसंद के लड़के के साथ करूंगी, वरना नहीं करूंगी। इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। वाह 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 वाह, ड्रामा तो हम भी कर रहे थे। क्या? हाँ, हम जानते थे नाटक चल रहा है। मेरा बेटा सीआईडी ऑफिसर है। एंड आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज। ओह नो। ओह यस। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। अंजलि, अरे अंजलि, अंजलि यार मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, प्लीज हेल्प मी। लेकिन अंजलि, तुझे तेरी डिवोर्स में मेरी क्या हेल्प चाहिए? मैं संजय को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ यार।
ओह, तो तू ये चाहती है कि मैं तेरे हस्बैंड पे लाइन मारूं और तू हमारी तस्वीरें खींच के कोर्ट में उसे सबूत की तरह पेश करे? नहीं नहीं, उसके पीछे तो मैं ही पड़ूंगी। तो फिर तुझे मेरी क्या जरूरत है? अंजलि, मैंने क्या सोचा है, मैं संजय से बोलूंगी कि मैं जा रही हूँ यूरोप टूर के लिए, मेरी जगह जाएगी तू। He'll become relaxed. And मैं उसको रंगे हाथों पकड़ लूंगी। Brilliant. इससे तो हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसी बहाने मुझे अपनी शादी के झंझट से छुटकारा भी मिल जाएगा। ठीक है फिर, डन। मैं टिकट बुक करा रही हूँ। Come in. हेलो। हेलो। चल लो। अरे बड़ी कहाँ चल लो? अरे संगीता, मुझे छुट्टी छोकड़ी। अरे बेबी, अपना तो चलने का प्रोग्राम तो शाम का है ना, अभी तो काम का टाइम है, अभी क्यों चल लो? अरे मैं संगीता नहीं, अंजलि खन्ना बोल रही हूँ। खन्ना? खन्ना? अरे बेबी, गन्ना हम क्यों चूपेगा, हम गन्ना नहीं चूपता है। अरे चेला रमानी जी, कान की मशीन ठीक करिए। क्या बोला, कान का मशीन ठीक करना है? क्या बोला? समझ गया, कान का मशीन, थोड़ा करेक्शन लूज है। अंजलि खन्ना बोल रही हूँ। अंजलि खन्ना भाभी, अभी पहचान गया। बोलो क्या काम है? सुनिए, मुझे यूरोप टूर की एक टिकट चाहिए। अरे केक यहाँ थोड़ी मिलता है भाभी, ये तो टिकट का दुकान है ना। अभी देखो, अभी आपको केक ऑफ ताज खाना है तो ताज में जाओ, केक ऑफ मोंजनी खाना है तो मोंजनी में मरो। ओ गॉड, लगता है इसका वायर फिर हिल गया। अरे भाभी, आपको एक टिकट चाहिए ना? अरे मिल जाएगा साईं, मिल जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। मगरमच्छ? अरे एक बात बचपन से लेकर अब तक समझ में नहीं आई, हर आदमी थैंक यू बोलने के बाद मगरमच्छ क्यों लगाता है? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ। कहाँ जा रही हो? यूरोप टूर पे। कब जा रही हो? कल। कल? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? वैसे भी हम एक दूसरे को सारी बातें कहाँ बताते हैं। यूरोप के टूर पे कल जा रही है और मुझे आज बता रही है। ओहो, मेरी बात सुनिए, आप इधर आइए। आप लकी है कि आपको उसने बताया, अगर नहीं बताते तो क्या कर लेते आप? हाँ तो क्या कर लेता मैं? ओह माय गॉड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो अकेली थोड़ी जा रही होगी, साथ में बॉयफ्रेंड भी जा रहा होगा। सर यही मौका है, उसका पीछा करो और रगे हाथों पकड़ लो। मेरे सामने वो अपने बॉयफ्रेंड से खुल के कैसे मिलेगी? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव आप इतनी इंटेलिजेंट बात भी कह सकते हैं। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, नाउ आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अभी आपको जेम्स बॉन्ड को ही भेजना पड़ेगा, वही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हैंडसम, स्मार्ट, डैशिंग, आँखियों से गोली मारे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मेरे कॉलेज में था, मेरे कॉलेज में था, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह कमाल का आदमी है, वही ये काम कर सकता है। किधर है, कौन है? वो मुंबई में रहता है, राज महलोत्रा। राज कहाँ है वो आज? करार दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए, अब के साल मेरा ये हाल बस खत्म, ये मेरा इंतजार हो जाए। किस शहर में रहती है वो, उसे ढूंढू यहाँ वहाँ सारा जहाँ, कहाँ 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 कहाँ। बेकरार मैं बेकरार दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए, किसान मेरा ये हाल बस खत्म, ये मेरा इंतजार हो जाए। किसी का सजन, न जाने कब होगा ये मिलन,
तीर बस एक तीर चल जाए आए इस दिल के पार हो जाए। बेकरार मैं बेकरार दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए। बेकरार मैं बेकरार दिल बस किसी से जल्दी से प्यार हो जाए। अब के साल मेरा ये हाल बस खत्म ये मेरा इंतजार हो जाए। राज ए राज एनीबॉडी इज देयर राज आ जाओ आ जाओ। नमस्कार 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 का बच्चा अभी आया पंखा ठीक करने के लिए। समझता नहीं है पंखा चलता नहीं है कोई तरीका नहीं है क्या? चल पंखा ठीक कर। पंखा और नहीं तो क्या? सुबह से तुझे फोन लगा लगा के मेरी उंगलियों की बैंड बज गई कोई तरीका नहीं है क्या? चल पंखा ठीक कर। मगर मैं तो मगर गया पानी में तू पंखा ठीक कर। कल कल रात से खुटूर 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 करता चल पंखा। मेरी बात तो सुन। अरे तेरी बात गई तेल में तू पंखा ठीक कर। चलो एक तो मैकेनिक होके सूट बूट पहन के आ गया। मैं मैकेनिक और नहीं तो क्या? माना जा दिखता है कि तू ए जैसी बात नहीं करने का। तू पंखा बनाता है कि नहीं? अबे बना ला पंखा मेरी जाजी का पंखा है कभी इसे बन बना है मालूम? चल बना पंखा। लेकिन मैं तू पंखा बनाता है कि नहीं? नहीं बनाऊंगा पंखा। तू पंखा बनाता है कि नहीं? नहीं बनाऊंगा। तो ठहर मैं अपने बेटे सोमू को बुलाती हूँ। किधर है? हाँ किधर है मुर्गा माँ? इधर ये भाई क्या चीज है भाई? ये कोई चीज या चॉकलेट नहीं है ये मेरा बेटा है सोमू। मालूम है दिन भर दारू पी के ढोता रहता है। अगर इसने अपने कपड़े में हाथों से गोली चला ली ना तो तेरे को किधर लगेगी मालूम नहीं पड़ेगा। चल पंखा जी कस गया यार। सोमू किधर है मुर्गा? किधर है? इधर इधर। ए पंखा बना नहीं तो सोमू उड़ा दे इसको। कहाँ से बना? औजार नहीं है मेरे पास। कहता आदमी है औजार भी साथ में लेके नहीं घूमता है। खैर मैं तेरे को अपना औजार देता हूँ। नहीं तो एक काम कर तू नीचे से उठा। ले 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 उठाता हूँ बनाता हूँ ले ले ले। पार्वती बेटी निर्मा ठंडा लेके आ। ठंडा किसको दूं? ओ एक्सक्यूज मी ठंडा। आज पंखा तेरा ठीक होगा देख। चलो जी चलते हैं जब फैन बन जाएगा तो लौट कर आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? फैन इज नॉट वर्किंग। नो क्या कर रही हो तुम? स्टॉप इट। लुक एट मी। नो आई एम ओनली 36। क्या एज नहीं साइज बता रही हूँ। 36 36
कहो क्या हुआ, ये भी भाग गया। घबरा मत, तेरा भाई डिटेक्टिव है ना राज, कहीं ना कहीं टकरा ही जाएगा उससे। पागल है सबके संजय। बहुत दिनों के बाद दोस्त किया, जरूर किसी मुसीबत में फंस गया। सब कुछ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया यार, मुझे अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए। अच्छा, शादी की तो मुझे बुलाया नहीं, भाभी का चेहरा तक मुझे दिखाया नहीं, और जब ड्राइवर चाहिए तो मेरे पास चला। क्यों, मैं कोर्ट हूँ? हाँ, मैं कोर्ट गया था यार, लेकिन कोर्ट को मेरी वाइफ के करतूतों के सबूत चाहिए। ओह, यानी कि तुझे दोस्त की शक्ल में एक जासूस की तलाश। तू एक जबरदस्त जासूस है, मुझे याद है कॉलेज के दिनों में तू बड़े बड़े केस खड़े खड़े सॉल्व कर दिया करता था। हाँ याद है। थैंक यू माय फ्रेंड, इस तारीफ के बाद मैं तेरी वाइफ को तेरी लाइफ में रहने भी नहीं दूंगा। कहाँ होंगी भाभी? वो यूरोप टूर पे जा रही है। ओके, उन्हीं की प्लेन का एक टिकट और पैसों को थोड़ा सा बंदोबस्त करके तू एयरपोर्ट आ जा। डोंट वरी माय फ्रेंड, आई विल हैंडल योर केस केयरफुली मैन, आई विल सी टू इट दैट यू गेट डाउन। हे मैन, व्हेयर इज द टॉयलेट? देयर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, गो दैट साइड। आई नो दैट, आई जस्ट टुक माय कैब। एक्सक्यूज मी, व्हेयर इज द टॉयलेट? इज दैट वे मैम। थैंक्स। ओह नो 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 नो। रियली? मैंने तुझे ढूंढा यहां वहां सारा जहां कहां 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 कहां, तू मुझे मिली यहां 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 टॉयलेट के पास? ये नहीं हो सकता। आप प्लीज उठेंगे? दिल तो नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा जैसे मेरे सपने मेरी आंखों से निकल के मेरे सामने लेट गया हो। शी, आई हेट यू काइंड ऑफ मैन। आई लव यू काइंड ऑफ गर्ल। इडियट। ओह वाओ, गाली में कितनी मिठास है। छो चीट। गॉड, यू आर सो स्टूपिड मैन। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल मैन। अंजलि। देख देख देख, इसमें मेरी वाइफ के फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है? और ये रहा तेरा टिकट, और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, जो अब सिर्फ तेरे पास रहेगा। पासपोर्ट तेरे पास है, ये रहा टिकट। ओके, तो सिर्फ एक काम करना, उस पे कड़ी नजर रखना, ठीक है? वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्यों मिलती है? Don't worry man, I'm the James Bond of the group man, मैं उस पे से नजर रखूंगा कि अगर मुझसे नजर में जाके कोई भी नजरबाजी करेगी तो या तो हमारी नजर में हमेशा के लिए गिर जाएगी, या तो हमेशा के लिए हमारी नजर में उठ जाएगी। ओके बाय। नो नो नो, लिसन टू मी, अब हम एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, सो यू बेटर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Hey, this is not a place for a meeting, man. On this, come on. That's why I don't want to get married in my life after seeing all this nonsense. Really? Shut up! Appeal plus lust. मैंने तुम्हारे जैसा idiot आज तक नहीं देखा. Fire plus poetry. Get up. I said get up. Stupid. Wow, she's beautiful. Hey, where's my lifafa? Squeeze me. I mean. Excuse me. Yeah. What is it? What? Thanks. आपका मिकी बहुत लकी है. क्यों? लिपटा हुआ है ना आपको. यू सॉरी, यू हैड योर हैड. हाँ तो पप्पी जी, लाइफ में पहली बार फॉरेन टूर पे जा रही हो आप. हाँ जी. अच्छा, आपका बाप भी गया था कभी फॉरेन टूर पे? अगर आपकी मम्मी गई होती ना तो मेरा बाप भी चला गया होता. देखो जी, आप चुपचाप है ना, जुबान पे ताला लगाओ और बैठ जाओ इधर, मैं जरा इंक्वायरी करके आता हूँ. अच्छा सुनो, जरा संभल कर बैठ लेना. क्यों जी, कोई मुझे चोरी करके ले जाएगा एयरपोर्ट से? छोड़ो जी, कोई अंधा ही आपको चोरी कर सकता है. हेलो, हेलो जी. हेलो. ओ आप जरा उठेंगी प्लीज? क्यों? ओ जी, मेरा रुमाल है ना आपके नीचे रह गया है. ओ सॉरी. वो तो है ही नहीं जी. एनीवे बैठ जाओ जी वापस, मैं भी बैठ जाता हूँ और बातचीत करता हूँ आपसे. अच्छा जी, तो आप गोल्डन ट्रेवल्स की यूरोप टूर पे जा रही हो? मैं भी जा रहा हूँ जी. नाइस मीटिंग यू जी. ओ जी, आपको यूरोप में मेरे होते हुए किसी बात की फिक्र की जरूरत ही नहीं. देखो जी, कोई भी काम हो आधी रात को आवाज दे देना, बंदा हाजिर हो जाएगा. कोई भी प्रॉब्लम हो आधी रात को आवाज दे देना, बंदा हाजिर हो जाएगा. ओ भाई, टिकट उधर मिलती है. अच्छा, अंग्रेज कोई सताए ना आधी रात को आवाज देना. आपका हर काम आधी रात को क्यों होता है? दिन में आप सोते हैं क्या? ओ जी, मैं सोऊं या जागूं, आपको कोई प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम है कि 12 साल पहले मैं इनके साथ 7 फेरे ले चुका हूँ. भाई 12 साल पुरानी बात अब आप क्यों उठा रहे हैं? अरे मैं इनका हस्बैंड हूँ और आप शादीशुदा औरत पे लाइन मार रहे हैं. ओ जी, मैं भाभी जी, नमस्ते जी. देखो जी, ये तो कमाल का नया ही एंगल निकल आया है जी. ओ जी, मैं चौधरी हूँ जी. और मैं भाईदार भाई, और ये भाईदार बहन तुम्हारी. एक्चुअली हूँ डिंपल छू. अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी जोड़ी है जी आपकी. वैसे आप अपने मन में कोई दूसरी बात पैदा मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है जी, मेरी अपनी खुद की एक पर्सनल बीवी है. वो देखिए, वो गोल्डन ट्रेवल के यूरोप टूर में आप भी हमारे साथ आ रही है जी. कमाल है. ओए, आपको कोई भी तकलीफ हो आवाज देना, आधी रात को बंदा हाजिर है. अगर आपको कोई भी चीज का जरूरत हो फोन करना,
आधी रात को बंदा हाजिर है। अरे सही और तोड़ कोई अंग्रेज आपको सताए ना तो मेरे को बोलना आधी रात को बंदा हाजिर है। ओ भाई साहब, आपके सारे काम आधी रात के बाद ही होते हैं और दिन में आप सोते हैं क्या? अरे साहब तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम कैसे नहीं है भाई, 12 साल पहले मैंने इनके साथ साथ फेरे लिए हैं। अरे तो 12 साल पुरानी बात आज क्यों निकाल रहा है? भूल जा। अरे कैसे भूल जाए भाई, ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरी वाइफ है। भाभी जी, भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं तो इन्हें अकेला देख अकेली ओए, ये कभी अकेली नहीं होती है, ये हमेशा दुकेली होती है, और जब ये मेरे साथ होती है ना तो चुकेली होती है। चलो जी मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। अब बहुत सामान है ट्रॉली की, ऐसी की तैसी मारो गोली, ये ना आपका भाई लेके आ जाएगा। ले आ बैठो पीछे पीछे जरा तू। भाई डैडी आप तो सुसु के लिए गए थे ना, यहाँ पर पुप पुप कर रहे हो, मम्मी को बुलाओ। आई होप तुम अपना सारा सामान सेफली लेके निकल रही हो। इस मिशन में तुम जानती हो क्या करना है। डोंट वरी एंड यू डोंट वरी, आई विल जॉइन यू सून। ओके ओके। ओह हाय, व्हाट ब्यूटीफुल एयर होस्टेस। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यू आर वेलकम। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? चलता है, मैं बिल्कुल ओपन हूँ। ओह दैट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड टू बी ओपन। यू नॉटी बॉय। लगता है ये सफर भारी पड़ेगा। नो नो, आई एम ओनली 45 kg। ओह डायरेक्ट अटैक। कहीं ये बात है? नहीं हो सकती है। हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये भाभी है या नहीं है, ये जो भी आइटम है इसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। ये क्या आइटम है? ये तो फर्स्ट क्लास से पीछे सीट है। इडियट। ओह एक्सक्यूज मी, ओह आई एम सॉरी। आपने यू आर वेलकम नहीं कहा? कोई बात नहीं, कभी कभी होठों का काम आंखें कर देती है। आंखों ने कर दिया काम तमाम। क्या है आपका शुभ नाम? शट अप। नाम अच्छा नहीं है, चेंज करो ना, लगता है मेरी आपकी बहुत जमने वाली है। मैं बैठ जाऊँ? मैं आप बैठ ही जाता हूँ, इससे पहले दूसरा कोई एक्सक्यूज मी बोल के बैठ जाए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द ट्रेन। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं बेबी, बेबी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये प्लेन लेगा ना तो तू मुझे पकड़ लेना, आई डोंट माइंड। विल यू प्लीज कीप क्वाइट? दैट्स ऑल राइट। डिंग 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 डिंग, यू मिस द शॉट। डिंग 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 डिंग, अगेन यू मिस द शॉट। आइस्ते मारो ना, लगता होगा यार। एक्सक्यूज मी, इज एनीवन हियर? दिस पैसेंजर इज इरिटेटिंग मी। ओए और तुम सिर्फ फिक्र ना करो बहन जी, मैं हूं ना, आप इधर आके मेरी सीट पे बैठो, मैं वहां जाता हूं। ओए पापा जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चलिए आपकी सीट पे, मैं आ जाता हूँ। आपको इतनी मस्ती है तो आप इधर आके बैठ जाइए इनके बगल में। बाय स्वीट हार्ट। हाँ जी हाँ जी, हूँ मैं देखना है तो अनु कौन टच कर रहा है। गल कर दी है, बैंड बजा जागा होती। गल कर दी है हूँ ना, तुम कितने दे हो? दिल्ली दे हो, जलंधर दे हो? लुधियाना। लुधियाने? लुधियाने दे आओ। अब तुसी लुधियाने दे आओ। और हुन ना तुहानू कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता, कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता, कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कौन टच करता है। हुन ना तेरे गाल को ना कोई ऐसे टच नहीं कर सकता, हाँ कोई तेरी पट पे ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। और ऐसे ना ऐसे तुम्हें किसी को करने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा मैं किसी को, कुछ नहीं करने दूंगा, देख लेना। थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। मैं सोचती हूँ अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? और यार सोच के मेरे रहते हुए तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। मतलब? और मतलब ये है कि वो हम लोग पंजाब के लोग हैं ना, हम लोग जब सी ऑफ करते हैं ना तो हमारी एक स्टाइल होती है, हमें ना बड़ी वार्म फीलिंग होती है। हम लोग है ना बाय बाय बादशाह बोल के ऐसे गले लग जाते हैं। और बाय बाय बादशाह, और बाय सरदार जी, आप ज्यादा स्मार्ट हो रहे हो। अब पूरा पंजाब स्मार्ट है, इसमें क्या है। और मैं आगे आवा के तू आगे आनी है, और ठंडक पाले थोड़ी है बादशाह। एक्सक्यूज मी सरदार जी, अरे थोड़ी बिहेव योरसेल्फ। और ठंडक पाले है यार। एयर होस्टेस, एयर होस्टेस। Yes, ये आदमी तो पहले वाले आदमी से भी चारों निकला। Please change my seat. Please come with me. All men are like that. How do you know? Shut up. और तुझको बुला रही है? Idiot. कोई गल नहीं. All men are like that. मैं अब यहाँ बैठी. Thank you. Thank God कोई बाजू में नहीं है. Hi. Hi. Oh wow, you're so beautiful. You're so charming. तुम्हारा गाल एकदम कश्मीर के सेब की तरह है, तुम्हारे होंठ एकदम अनार के दाने की तरह है, और तुम्हारी गर्दन, oh wow, एकदम इंडिया का वाटरफॉल लगता है। Can I touch you like this? Can I touch you like this? Can I touch you like this? Excuse me, what are you doing?
डोंट वरी, हम भी फीमेल, तुम भी फीमेल, हम किधर भी जाएगा, डोंट स्टॉप, ओके? डिंग 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 यू ओह नो हेलो हेलो संजय, मैं राज बोल रहा हूँ यार। हाँ राज, देखा मेरी वाइफ को? यार संजय, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। क्या गड़बड़ हो गई? वो तूने भाभी के फोटोग्राफ दिए थे ना, वो लिफाफा मेरे हाथ में रह गया और भाभी के फोटोग्राफ नीचे गिर गए यार। और जल्दी जल्दी में मैंने वो फोटोग्राफ देखे भी नहीं यार। मरवा दिया था यार, फोटोग्राफ गिर गए। एक काम तुझे दिया था वो भी तूने ठीक से नहीं किया। क्या करूं यार, मैं आदत से मजबूर हूँ। अच्छा तू एक काम करना, तू सिर्फ इतना बता दे कि भाभी ने पहना क्या था। तू एक मिनट होल्ड करेगा, कह रही उसने पहना क्या था? कफन। कफन आपकी बर्बादी का। मैं पूछ रहा हूँ उसने पहना क्या था। एयरपोर्ट छोड़ने आप गए थे, मैं नहीं। यू शट अप। ओके। अरे यार मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ। हेलो राज, और सुन यार, आजकल मैं उसकी शक्ल अच्छी तरह से देखता नहीं हूँ, कपड़े क्या रखूंगा मैं? डोंट वरी माय फ्रेंड, हम भी बास की नजर रखते हैं, हम भी भाभी को कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। टारन टारन टिक टिक। मैंने इंडियन कोर्ट में डिवोर्स के लिए पेपर फाइल कर दिए हैं। डार्लिंग, अब तो हम दोनों को मिलने से गॉड भी नहीं रोक सकता है। ओके बाय डार्लिंग। Hi. Hi. I'm sorry. You're welcome. But I will not come. But I'm open. But I am closed. Baby. You're late. Excuse me. I said you're late. Really? Hi dudes, I'm Raj Malhotra from Mumbai. M for me and B for babies. हो सकता है जिंदगी भर भी झेलना पड़ जाए, क्योंकि अक्सर लोग सफर में हम सफर बन जाते हैं। तुम क्या चाहते हो कि मैं उस बस से उतर जाऊँ? जी नहीं, मैं चाहता हूँ कि बस की टॉप पर खड़ी हो जाए और जोर से चिल्लाए। वैसे तुम टार्जन की आवाज बहुत अच्छी तरह निकाल लेते हो। बहुत ज्यादा जो कमाल है यार, सफर शुरू हुआ नहीं है, झगड़ा पहले शुरू हो गया है। देखिए ना, ये एयरपोर्ट से मुझे छेड़ता हुआ आ रहा है। क्या बात कर रहा है तू यार, वो कमाल का आदमी है ये तो। वो कमाल है, वो तेरे को लड़की को छेड़ते शर्म नहीं आती है? अच्छा, मैं लड़की को छेड़ रहा हूँ और आप जिसको हाथ लगा रहे हैं वो कौन है? तो ये क्या हो गया यार? What is your problem? Why touching my wife? Why touching my wife? तुम अपना हाथ कंट्रोल विच रखो, मेरा हाथ इधर उधर चला गया तो तकलीफ च पै जाओगे। Can I have one lasagna, one spaghetti with Napoli, and one tortellini with alla panna? Yeah, ma'am. Excuse me, do you have dairy milk chocolates? I'm sorry, ma'am, we don't have dairy milk chocolates. Mm. All right, thanks. Thank you. Yes, sir? No, I don't want to see that. One lasagna, one spaghetti with Napoli, and one alla panna. Okay. Do you have some chocolates? Don't get them. और अंदर से वैसे आप भी बहुत तड़प रही होंगी मेरी तारीफ करने के लिए कि मैं भी बहुत अच्छी माउथ ऑर्गन बजाता हूँ, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, बिकॉज बेसिकली यू आर वेरी शाय गर्ल। बाय द वे, आपके जैसा घटिया माउथ ऑर्गन बजाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। और रियली मेरी माँ भी मुझसे यही कहती है, आपके और मेरी माँ के ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। अगर आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरी माँ की बहू बन जाए तो सास और बहू में तो झगड़ा होगा ही नहीं कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, ये क्या कर रही है? इसे हाय, हाय डियर, दिस इज योर पार्टी। ओह थैंक्स। आज मैंने तुम्हारे लिए
करवा चौथ का व्रत रखा है। वो क्या होता है? जिस पत्नी को अपने पति से बहुत प्यार हो वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। हाँ जी। तो डाइवर्स हो नहीं सकता। क्या कहा? कुछ नहीं। हेलो हेलो यो ब्रदर, तेरे लिए गुड न्यूज है। क्यों, मेरे ससुर मर गया? हे मैन, मैं तेरे सास और ससुर के बारे में नहीं, तेरी पत्नी के बारे में बोलना चाहता हूँ। योर वाइफ। सुनेगा ना तो गल कटे मुर्गे की तरह तड़फड़ाने लगेगा। गला कटा मुर्गे? ऐसे क्या किया मेरे मुर्गे ने? क्या किया? She's having an affair. उसका चक्कर चल रहा है। किसका टाइम आ गया? कौन दबके मरना चाह रहा है? कौन है हरामखोर? है गोरा। शादी काले के साथ और चक्कर गोरे के साथ। Hey, are you listening to me? सुन रहा मेरी बात? सुन रहा हूँ। तू रिपोर्ट देता रहे, मैं बाद में इसकी रिपोर्ट लेता हूँ। रिपोर्ट इज दिस, क्या आज तेरी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दिया? गिफ्ट? मुझे करवा चौथ का लॉलीपॉप, उसको गिफ्ट? बस ऐसे ही हो रहा है यार। वो एक को पकड़ती है, दूसरे को लिपटती है, तीसरे को देखती है और चौथे को छेड़ती है। यार वो बड़ी चक्करबाज नारी है यार। अपने साइज के हिसाब से जा रही है। इस नारी की ऐसी तरकारी बनाता हूँ कि सरकारी गाड़ी मुझे इज्जत से लेने आए। कौन है ये गोरा? कौन गोरा? तू जिसको गिफ्ट देती है, तेरा लफड़ा है। मेरा किसी के साथ लफड़ा नहीं है। तेरा लफड़ा है, लफड़ा है, तूने लफड़ा किया है। हाँ, मेरा लफड़ा है। रेकी के साथ। कौन? तुम्हारे साथ। अरे कालिया तो है मगर वो गोरा कौन है? मुझे क्या मालूम? ये बोलती है नहीं मालूम। अरे तू कौन है? अरे ये रहा तेरा मोबाइल फोन, गलती से तूने मेरा फोन ले लिया। कब से इस फोन पे पता नहीं जीना टीना मीना, पता नहीं किन किन नालायक लड़कियों के फोन आ रहे हैं। कहती है डार्लिंग 4 बजे मिलना, डार्लिंग 8 बजे मिलना, पता नहीं कौन कौन है यार। क्या तुम्हें इतनी सारी लड़कियों के फोन आते हैं? अरे वो सब डाइवोर्स केसेस है यार। अब मैं समझी, तुम इतने बिजी कह रहे थे। हेलो 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 महाराज। अरे वो मेरा वकील लिम कैरी था। ओ शिट। अरे यार तेरी वाइफ का तो यूरोप में भी बॉयफ्रेंड है यार। तू ऐसा कर, तो उसके और उसके बॉयफ्रेंड की कुछ ऐसी तस्वीरें ले ले जिसके बिहाव पर मैं कोर्ट में प्रूव कर सकूं कि मेरी वाइफ एक बैड कैरेक्टर औरत है। मुझे बस प्रूफ चाहिए। ओके माय ब्रदर, मैं अभी अपने अंदर के जासूस को जगाता हूं और बहुत ही जल्द प्रूफ लेकर इंडिया आता हूं। टन टन टारा टिक टिक। हद कर दी संजय की वाइफ, सारे प्रूफ इकट्ठा कर लूंगा। ये कमरा है। दैट मींस आई विल हैव टू रियली यूज माय Yes. No. No. Hey. हट, चल, हट, निकल, पागल हो गया? ये क्या पागल बना? ये क्या कुत्ता बना? छोड़, छोड़, hey. I don't like this. No. No, no. Don't spoil my image, baby. No. Okay. Okay. You're acting smart with me. Okay. See, I have brains. Bye. Oh, my darling, I love you, sweetheart. Yes, sweetheart. Just to get divorced and after that we have one baby. Yes, honey. Oh, bhabhi ji, kya kar rahe ho aap? Someone's taking photographs. Pull this, pull this. Who's it? Kaun hai, yaar? कौन है? कौन है? Who's it? Try to act smart with me, the porn number one. Who's it? Who's it? What channel is this? Oh,
Darling, pop glass wine, check the channel. Yes, yes. जसा जीवात जीव घुटमळ तसं फिरतीच वाढतंय बळ तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळ गन हे बघून दुश्मन जळ वर ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ वर ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ वर ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ चल ग राणी गाऊया गाणी फिरूया पाखरा संग जवा तुझं माझ झुळ पाणी थेंब थेंब गळ Anwar, a TV man. I'm a man from VTN. Don't tell him that I'm a very big detective, you know. He said, I don't shoot the camera. I don't want to give this to my friend, you know. Give it to me. He said, I want to fight this lady, you know, because they're no friend. Hey, don't do that, man. Hey, please. गुस्सा तो सबके सब हो रहे थे पर सिर्फ मैं चुप था यार थैंक्स डन ओके चुप लेट लेती अरे अरे साईं बहुत बोरिंग हो रहा है साईं बोरिंग तो होगा जनाब बोरिंग पार्टनर्स बोरिंग जर्नी ना फ्यू बेबी अब ये मैं एक शेर बोलेगा ओ पाल ओ शीशा दे रहा जरा बात करनी है इनसे ओ पाल साहब शेर आप क्या सुनाओगे ओ शेर तो हम सुनाते हैं आपको ए लेट्स 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 एंजॉय कमाल लेट्स एंजॉय हेलो एवरीबॉडी हियर एवरीबॉडी हियर कमाल लेट्स हैव फन तो भाई अर्ज किया है या इरशाद इरशाद कि फिर तोते से बोली मैना 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 बोली मैना 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 यार टोटल कितनी मैना है ओ भाई कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं क्या कहना फिर तोते से बोली मैना क्या कहना कुछ मैं बोलू कुछ तुम कहना क्या कहना
फिर तो तेसे बोली मैं ना, कुछ मैं बोलूं कुछ तुम कहना, कितनी बातें दिल के अंदर एक कतरे में साथ समुंदर, फिर तो तेसे बोली मैं ना, कुछ मैं बोलूं कुछ तुम कहना। कुछ कुछ अपने देश के जैसा, सुंदर ये परदेश है कैसा, कुछ कुछ अपने देश के जैसा, अपना तो संदेश है ऐसा, देश हो जैसा भेष हो वैसा, इसीलिए तो टोपी छोड़ी लंबा दाढ़ा टोप करना, क्या कहना, फिर तो तेसे बोली मैं ना, कुछ मैं बोलूं कुछ तुम कहना। अरे दिल तोड़ने की बेशक है आदत तेरी, पर ये दिल टूट जाने की चीज नहीं है, तुझको दीवाना अपना ना कर दूं अगर, तू भी कहना ये शख्स कोई चीज नहीं है। यू ना देख ओ सुंदर नारी, मुझे समझियो ना ब्रह्मचारी, अरे यू ना देख ओ सुंदर नारी, मुझे समझियो ना ब्रह्मचारी, ऐसा ना हो तेरे कारण बन जाऊं मैं प्रेम पुजारी, बस कर बस में बेबस बस जाए ना बस नैनो में नैना, तो तेसे बोली मैं ना, अरे कुछ मैं बोलूं कुछ तुम कहना। अरे दीवाने देखे तुमसे बहुत जमाने में, पहले पीछा करते हैं फिर मिलते हैं जेल खाने में, ऐसी कमाल है। अच्छा इतना जोश नहीं है, लेकिन तुम तो होश नहीं है, छेड़ोगे तो काटेगी नागिन का कोई दोष नहीं है, कोई ना मैं पार लगे दरिया को अपने रास्ते बहना, क्या कहना भाई क्या कहना भाई क्या कहना। और मेरे को लगता है कि ये टेप आप इसको है ना ठीक कर, नहीं ठीक है, ये टेप रिकॉर्डर आप खरीदेंगी ना तो इसके गानों की आवाज आपके कानों में बहुत सुंदर सी आएगी। नहीं मुझे इसका कलर बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसका कलर तो बहुत अच्छा है जी। नहीं ये मेरे बेडरूम के कलर से मैच नहीं होगा। नहीं जी इसका कलर आपके बेडरूम के कलर से मैच होगा जी। नहीं चाहिए। क्या टेप रिकॉर्डर क्या आप ये, ओ भाई दास भाई आप, हाँ मैं क्या हा? ये कलर स्कीम बता कर तुम अपनी कौन सी स्कीम चला रहे हो मेरी बीवी के साथ। ओ लो जी भाभी जी ना किसी को आइडिया देना क्या पाप है। जी नहीं आइडिया देते देते दूसरे की बीवी को छू लेना पाप है। पापी ओ तो आपका क्या मतलब है कि फौरन में आके मैं इनसे राखी बंधवा लूं। राखी नहीं बंधवाएगा तो क्या शादी रचाएगा इससे। आपको क्या लगता है कि मैं रामी टाइप का आदमी हूं। अरे तू जितना है उतना तो चेहरे पे दिखता भी नहीं है। पापी जी मैंने डिसाइड किया है कि मैं इनकी बातों को अपने कानों से सुनूंगा ही नहीं। नहीं मेरा प्रॉब्लम तेरे कानों से नहीं है तेरी आंखों से, देखना बंद कर चालने अबे चामड़ी चोर से समझती नहीं। ठीक चोर तू माने टेप रिकॉर्डर। भाभी जी अरे लड़की को बताना है नहीं तो उसको ये ड्रेस दो ली और बोलो आज रात को मिलना है नहीं। फिर देखो कमान पड़ जाएगी। अरे साईं इसको तो हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम देके पटाया था नहीं। अरे चुप करो नहीं लग रहा था रियली। एक्सक्यूज मी
हाय। देखिए, अगर आपने मेरा तोहफा कबूल कर लिया और रात को 9 बजे मेरे रूम में टेलीफोन की घंटी बजा दी तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ चुके। और बहुत सोच समझ कर समझ कर समझदारी के साथ हम दोनों मिलकर दुनिया को कुछ ऐसा समझाएंगे कि सोच समझ कर समझ कर समझदारी के साथ दुनिया भी समझ जाएगी कि सोच समझ कर समझ कर समझदारी के साथ हम दोनों की समझदारी साथ साथ चल रही है। और सोच समझ कर समझ कर समझदारी के साथ हम दोनों को जो बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सोच समझ कर समझ कर समझदारी के साथ हम दोनों ने बात में किया, मगर किया जरा। समझ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ओके। मेरे इतने लंबे पैराग्राफ के बाद आपका ये ओके का छोटा सा कॉमा मजा आ गया, लेकिन सुनिए इसके आगे फुल स्टॉप मत लगाइएगा क्योंकि ये हमारे लव की स्टार्ट है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक छोटे से समझदारी के ब्रेक के बाद, लेकिन सुनिए मुझे बुलाना मत भूलिएगा और टेलीफोन की घंटी बजाना मत भूलिएगा रात को 9 बजे। डिंग 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 डिंग। हेलो। हाय राज, कभी से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। 9 से 9:30, 9:30 से 9:45, 10 पे 10 कम, 10 पे 5 कम, 10 पे 3 कम, 10 पे 2 कम, 10 पे 1 कम। वो कपड़ा पहन के प्लीज कम ना यार। अच्छा सुनो, तुमने कपड़े पहने हैं कि नहीं? I mean, वो वाले कपड़े पहने कि नहीं जो मैंने तुमको दिए थे? हाँ, मैंने वो ड्रेस पहन लिया। पहन लिया? कैसी लग रही है तुम कपड़ों में? देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। नो, मैं तो होश उड़ाने के लिए तैयार बैठा हूँ, जमीन पे गिरने के लिए तैयार हूँ। अब आगे आगे देखो तुम कहाँ कहाँ से गिरते हो। ये डायलॉग कुछ ठीक नहीं लगा। क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। मेरा मतलब है कि कमरा नंबर 2072। ओके 207, मगर तुम्हारा कमरा नंबर तो 2073 था ना यार। ऐसी मुलाकातों के लिए कमरे बदल दिए जाते हैं। ओह वाओ, रोमांस विद इंटेलिजेंस। ओह, आई एम कमिंग बेबी, आई एम कमिंग। कम कम बेबी कम, योर हस्बैंड इज कमिंग। राज, यू आर गॉन। हेलो, योर वाइफ इज रेडी and she's looking like Hawaiian beauty. Oh, I'm coming. Come, baby, come. Light. Oh, wow, door is open. I thought that I was going to meet you alone. But this is going to meet you in the ऐ मदमस्त जवानी, ऐ खूबसूरती की रानी, मलिकाए हुस्न, अजंता की मूरत, क्या कहूं कि तू है कितनी खूबसूरत। डार्लिंग, हाय डार्लिंग, दो चॉकलेट के दिए, तुम्हारा तो टोटल साइज ही चेंज हो गया। चिकन मसाला हो चले, होश चले मिश्रणी। हाय चिकन मकला हो, लो मही चिकन मकला, लो हो लोहो मही। डार्लिंग तुम्हारी है मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। लाइट्स ऑफ। ऐ मेरी हुस्न, 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 अरे हुस्न, 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 लाला वाला हुकाशी, ठीक है बगला, होगला बगला, होगला बगला, हो हाँ हो ही, लाला वाला हुकाशी, ठीक है बगला, होगला, हो, ए हो हाँ ही हो, ए ए हो आर यू एंड हु इज शी, हाँ भाई मिस्टेक हाँ, हेलो तरीका नहीं है क्या? हाँ इंसानियत नाम की चीज नहीं रही है। अरे आदमी की कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ? ये क्या है साला, गलती नहीं होती है क्या आदमी से? बात करता है साला काला सांड, पता नहीं अफ्रीका के कौन से जंगल से आया है, और उसकी वो काली बीवी घनघोर काली मिर्ची, दोनों कालों ने मिलके
एक गोली के चक्कर में कितना मारा है मुझको। एक्चुअली सारा सिस्टम ही खराब है, सारा मारने का कोई सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। अरे यार, जिधर मार रहे हो उधर मारो, इधर नहीं मार रहे उधर क्यों मार रहे हो? सारा कोई सिस्टम होना चाहिए। अरे मेरा बस चला तो ऐसी धुलाई बैन करवा दूं। हाय हाय हाय, अरे वो वाला हाय नहीं बोल रहा कौन? तू, तुझे तो मैं माफ नहीं करूंगा साली। क्यों? ऐसे काले सांड के चक्कर में अटकाया, तुझे तो मैं बताऊंगा नहीं पटाऊंगा। अरे बिटिया अंजलि बेटे, अरे बिटिया कहाँ हो बिटिया? अरे नहाइएगा बाद में, पहले इधर आइए। अरे काम रहा तो प्रूफ है, अब कहते अगर बच के। अब बिटिया बाहर आ जाओ, पहला हमारा करके दे दो। ओहो एक मिनट दिखाइए। अच्छा देखो देखो, मगर इसमें चेहरा तो दिख नहीं रहा। चुटिया तो है ना? हाँ वो तो है। हाँ उसे कहा है चुटिया। लेकिन चेहरा? चेहरा नहीं दिखा दे रहा ना, मगर शर्ट तो दिखा दे रहा, पीला पीला शर्ट से छिल लीजिए ना। हाँ अंकल, लेकिन कोर्ट में कपड़ों के साथ चेहरा भी दिखाना जरूरी है ना। अरे बेटिया, ऐसा आदमी का शक्ल कहाँ देख रहा है जो इधर उधर मुंह मारता पिटता रहता है। सॉरी बात है, मानत है, लेकिन नया की शक्ल पर लानत है। अगली बार शक्ल के साथ हम फोटो लाएंगे बेटिया, 30,000 दे दो। 30,000? हाँ सरकारी फोटो है, बहुत महंगा पड़ता है ना। और उसे पूरा फीस लेता हूँ, मगर तुम तो 50 की जगह 30 लेता हूँ। Come on, let's go. कितनी गंदगी है दुनिया में, संजय मैं आ रहा हूँ। फोन फोन, एक्सक्यूज मी, कैन आई मेक द कॉल? हेलो। नो, अबे तेरी पत्नी है कि पटाटे वड़े की चटनी है? जिस तरह से चटनी हर थाली में बटती रहती है, हर पटाटे वड़े को पटती रहती है, उस तरह से तुम्हारी पत्नी का हर स्टेशन पे बॉयफ्रेंड है यार। ये मेरी पत्नी की रिपोर्ट नहीं है, ये संजय साहब की रिपोर्ट है। मैं तो डर गया यार। अबे तू फिर आ गया कबाब में हड्डी? मैं हड्डी नहीं हूँ, हड्डा हूँ, अपने डैडी का डड्डा हूँ, डिवोर्स कराने का अड्डा हूँ। एक बहुत बड़ा खड्डा है तू, एक फटा हुआ चड्डा है तू। मुखड़े का अंतरा बन गया, डड्डा खड्डा चड्डा फड्डा। वेरी गुड यार, आपको मेरी तरह शेर शायरी का शौक है। तू संजय को फोन देता है कि नहीं? आप मुझे मैसेज दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। मैं बीच वालों से बात नहीं करता। मैं बीच वाला नहीं हूँ, मेरी मोटी सी बीवी है, पतले पतले 11 बच्चे हैं, 12वीं की तैयारी है। हे मैन, तू संजय को फोन देता है कि मैं फोन पे ढिकार मारूं? ए मुंह से मार देता हूं। I think everybody is sir, urgent call sir from Europe, please take it sir. Yeah, what is this carry? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? Oh sir, line is disturbed from Europe. Raj, come on. Raj? Yeah, Raj? Yeah. हाँ Raj. Hello संजय, अरे यार तेरी पत्नी का दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। कैरी, दूसरा बॉयफ्रेंड भी? हो, शी इज वेरी टैलेंटेड, भाभी की तारीफ करनी चाहिए। एक हस्बैंड दो दो बॉयफ्रेंड, ओ माय गॉड। ए तुम्हारी औरतों में इतनी ताकत? कैरी, कहीं हमारी बातें समझ तो नहीं रहे होंगे? अरे ये अंग्रेजी ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, हिंदी क्या समझेंगे? हेलो राज, राज ये उसने आगे क्या किया? क्या किया? इस बॉयफ्रेंड को उसने पहले से भी ज्यादा लिफ्ट दिया और पहले से भी ज्यादा बड़ा गिफ्ट दिया। गिफ्ट? क्या गिफ्ट दिया? आई थिंक टीवी दिया। मेरी बीवी ने टीवी दिया। ओह फैंटास्टिक, पहले वाले को टेप रिकॉर्डर, दूसरे को टीवी, अब तीसरे को देगी कार। क्या करोगे सरकार? यू शट अप। अरे तू क्यों मेरी पत्नी के कारनामों को सुना के मेरा दिल जला रहा है? अरे मुझे प्रूफ चाहिए, पिछले बार तो प्रूफ लाने में फेल हो गया था, इस बार फेल हो गया तो अपने नीम खैरी का मुंह खाला कर देना। आप लोगों के समझ में कुछ आया? आई मीन डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? Yeah. 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 What? His wife, boyfriends, TV, tape recorder, and gifts. ये सब समझ गए। इनका बेड़ा कर रखो। Why is everybody mad? ये सब कहाँ चले गए? So there's a card for you. Yep. Happy Valentine's Day. Thank you. Welcome. Thank you. Dear Raj, आज Valentine's Day है और दो प्यार करने वालों के लिए ऐसा अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। हम सब जानबूझ के तुम दोनों अकेला छोड़कर जा रहे हैं अपने साथियों के साथ, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सको। Wow, that's a great idea, man. भाई चौधरी एंड बखियानी। राज, ये बस हमें छोड़ के कहाँ चले गई? What? बस। हाँ वो बस ना, वो आज वैलेंटाइन डे है ना, तो सब पति पत्नी लगे हैं रोमांस में। शायद वो लोग चाहते हैं कि हम लोग दोनों भी रोमांस करें।
आई डोंट बिलीव इन दिस. यू नो व्हाई? मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, वो लोग इस तरह के दिन मनाते हैं, वैलेंटाइन डे एंड ऑल. आई फील एवरी डे इज अ वैलेंटाइन डे, एवरी आवर इज अ वैलेंटाइन आवर, एवरी मिनट इज अ वैलेंटाइन मिनट, एवरी सेकंड इज अ वैलेंटाइन सेकंड. तुम जैसा फ्लर्ट कभी प्यार के बारे में इतनी प्यारी बातें कर सकता है? इम्पॉसिबल. आई डोंट बिलीव इट. पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ, पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ. हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आपने समझा हो गई बिन बादल बरसात. हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने. पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ, हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आप लेकर आ गए मेरे घर बारात. हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने. छेड़ने का मतलब क्या है यार? पल पल दो पल का सा, हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात. आओ कर ले दोस्ती, गुस्सा छोड़ो यार, हम दोनों में एक दिन हो सकता है प्यार. आओ कर ले दोस्ती, गुस्सा छोड़ो यार, हम दोनों में एक दिन हो सकता है प्यार. हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने. बड़ी प्यार के समुंदर में गिरोगे तो क्या होगा? नहीं ये जिसके लिए ठीक रहा है ना, वही दुपट्टा देगी नाक पहुंचने के लिए. मेरी और डिंपल की शादी छींक के वजह से ही हुई थी. कैसे? हुआ था क्या कि एक बार तैराक की किताब लेकर तालाब में तैरने गई. थोड़ी देर के बाद में ये डूब गई, किताब तैरती रही. ये तो अच्छा हुआ चौधरी साहब की मैं वहाँ पहुँचा, इसको बचाया मैंने. और बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह मैं छींक रहा था तो इसने अपना दुपट्टा निकाल कर मुझे दिया. और फिर क्या बोली थी तू? बोलने मैं कह दू कि आज दुपट्टा को मारो घूंघट बना भी दो. और राजी जी, और कपड़े का दुपट्टा नहीं मिला, कागज का दुपट्टा तो मिल गया है पहुंचने के लिए. Folks, this is Lover's Point.
इसकी भी एक अपनी कहानी है। कम फॉलो मी। व्हाई शुड वी फॉलो यू मैन? वी बड़ा बेटर। राज सुन, कितने जा रहे हैं तुम? अंजलि के पीछे जा रहे हैं? हां जा रहा हूं। तो ये चरिया हो गया नी क्या? ये लड़की के अंदर प्यार जगाना हो ना, उसके करीब जाकर दूर भागो नी, और वो खुद तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। बट व्हाई व्हाई? हां चलो तुम वो चलो नी चलो चलो राज, यू शुड जस्ट खलास हर यार। राज या? सब लोग खाना खा रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ, सब लोग खा रहे हैं सब। हाँ तो चलो हम भी खा लेते हैं। अब भूख नहीं है। मैं दो प्लेट लाई थी। हाँ प्लेट तो दो है, देख रहा हूँ है नहीं भूख। यू नॉट हंग्री? ओके। मैंने यू नो कल रात से खाना नहीं खाया, मुझे इतनी भूख लगी है। ओह माय गॉड, यू नो मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। या इंस्पायर्ड आपके घर में एक से कार्टून है, एंड खीर तो कमाल। यू अंडरस्टैंड खीर ना? हाँ खीर खीर। हाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग हिसाब की खीर बना बना के खिलाने की कोशिश करती है, कोशिश कोशिश करती है, मगर मैं नहीं खाता। यू नो व्हाई? व्हाई? आई डोंट लाइक खीर। I don't like खीर। ये खीर खाता ही नहीं है, ये तो खीर देख के खार खाता है। खाता ही नहीं है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। अपने पैरों से बना दी तो भी नहीं खा। Anyone wants to have खीर? नहीं 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 नहीं। एक दो दिन में कहने ही वाली है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बड़ी अंजलि तुम भी रात से प्यार करने लग गई है नी? नहीं। भैया हमको पता है बहुत दिनों से तुम्हारी आँख में चली चल रही है। इतना स्ट्रेंज आदमी है, उस टाइम बोला खीर पसंद नहीं, अभी कैसा चपड़ चपड़ खाता है नी। ओकड़िए इश्क मुश्क है ना, छुपाए नहीं छुपता है। वो एग्जाम्पल देके बता देता हूँ भाई, मेरा और पप्पी का रोमांस है ना 15 जुलाई को शुरू हुआ था, 16 जुलाई को पूरे पटिंडे को पता चल गया था कि 17 जुलाई को हम दोनों की शादी है। उसका क्यों नहीं खाया जब अंजलि खिला रही थी? क्योंकि उस वक्त मैं भाव खा रहा था। हाँ हाँ ये एक ऐसी डिश है जो दिखाई नहीं देती मगर खाई जा सकती। लाला बेट, अरे राज तुमसे बहुत प्यार करता है लेकिन तुम्हें पटाने के लिए भाव खा रहा है, झगड़ा कर रहा है ये। हाँ और ये हमको हमारी बीवियों ने बताया। और क्या बताया? मुझे कुछ कहना है तुमसे। अरे मुझे कुछ तुमसे है कहना। कह दो ना, कह दो ना। मुझे कुछ तुमसे है कहना। कह दो ना, कह दो ना। पर दिल कहे अभी चुप रहना। अरे कह दो ना अब चुप रहने से बोल पड़ेंगे हम दोनों के नैना। मुझे कुछ तुमसे है कहना। कह दो ना, कह दो ना। पर दिल कहे अभी चुप रहना। अरे कह दो ना, कह दो ना। Hey
कह दो ना पर दिल कहे अभी चुप रहना कह दो ना आँखों में शरारत है होठों पे शिकायत है बेचैन तबीयत है बेताब सी हालत है कुछ कहूँ इजाजत है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कह दो ना कह दो ना कह दो ना क्या लग रही हो तो तुमने एड्रेस बनके साबित कर दिया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना कमान की मैं किस किस या किस जाओ प्लीज क्या प्लीज क्या ओके हेलो आ आ अच्छा ठीक है ज्यादा भाव मत खाओ यार देखो ज्यादा भाव खाओगे तो जिंदगी में कभी किस नहीं करूंगा अरे I'm serious मैं जिंदगी में किस नहीं करूंगा तुमको शादी की बात भी किस नहीं करूंगा जाओ अभी भी नहीं ए, ए, ए! Okay, Bob, ये रहा तुम्हारा सामान. It's so good to see you. La 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 la. Raj, you are great. What is she doing, man? What is she up to? Wait, man. Raj is behind you. Yeah? All right. Wow! Ulta hai. Pehla wala saath mein hai. Teesra wala bhi saath mein hai. Ye bhi chola kha gaya yaar. Okay. Lekin ye kitno se shaadi karegi? Your phone, baby. What's that? लगता है संजय को तलाक देगी दूसरे से शादी करेगी What? Okay, चिंता मत करो Come on, guys. Raj, you are great. This is my car. So have it. Have it, baby. आपका टूर खत्म हो गया आप जा रही हैं तो हमको तो आपकी बहुत बहुत याद आएगी हाँ बहुत 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 बस अब आप लोग मुझे याद करें इसलिए मैं आप दोनों के लिए तोहफा लेके आई हूँ अरे वाह अरे तोहफा गिफ्ट मारा माते थैंक्स बहुत फाइन ओके बाय कितनी मिट्टी छे ना
हाँ वो फाइन, चलो अबे चलो। किधर जा रही? मैं घर जा रही हूँ। पर अभी तो टूर खत्म नहीं हुआ। नहीं, अरे तुम्हारा टूर खत्म हो जाएगा जो तुमने ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ की इसके साथ। हाँ तू जा, मैं ये तोहफा देने आई हूँ। थैंक यू। हाँ जा भाई जा। ओके बाय बाय बाय। एक्सक्यूज मी, यू आर एन इंडियन? यस। कैन आई चेक योर बैगेज? ओके यू कैन गो। Hello, is there an Indian group? Yes. Can I check their rooms, please? Yes. I have a warrant to check your room. What? Excuse me, you can't just get into my room like this. One more packet? But that's a gift. These are drugs, madam. What? Drugs? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, हमको माफ कर दीजिए। देखिए, जो लड़की हमारे साथ बस में ट्रैवल कर रही थी ना, उसने हमको ये गिफ्ट दिया था। अरे भाई, हमको क्या पता कि वो हीरोइन हमको हेरोइन देगी। ओ, गलत टाइप का काम हमने आज तक किया ही नहीं है। ओ, हिंदी तो आती ही नहीं है इसको। प्लीज सर, वी ऑल आर इनोसेंट, दैट लेडी हैज गिवन अस ऑल दिस, बिलीव अस सर, दिस इज नॉट अस। वेयर इज योर पासपोर्ट? क्या किया तुमने? वेयर वर यू राज? ओ, क्या किया तुमने? क्या किया आप लोगों ने? वो लड़की हमें गिफ्ट के नाम पे ड्रग्स दे गई है, और पुलिस वाला कहता है हम में से कोई नहीं बचेगा। वो मिनी स्कर्ट वाली बहन, उसने हमें गिफ्ट दिया। शी इज अ ड्रग डीलर। ओ माय फ्रेंड संजय इज गॉन। एक बार फोन करना पड़ेगा मुझको। एक्सक्यूज मी, ओ माय फ्रेंड इज गॉन। Excuse me. These are all people are innocent. I'll just make a call to my country and I'll be back in 1 minute. Please give me one minute, sir. Excuse me. Yeah? Come back to God, please. Yes, please. Thank you very much. हाँ ओके बाय बाय, सी यू लेटर। हेलो हराज। हाँ हेलो संजय। हाँ तू सुसाइड कर ले भाई। तू किस तरह की बातें कर रहा है यार? अरे तेरी बीवी ड्रग्स स्मगलर निकली यार। वो स्मगलिंग क्यों करने लगी यार? तू मेरा दोस्त है, वो तेरी बीवी है, ये जानते हुए भी मैं उसको अंदर करवा रहा हूँ। नहीं, तू ऐसा मत कर राज। बिकॉज यू नो वो अपने जुर्म का फंदा कुछ मासूम लोगों के गले में डाल रही है। आई विल नॉट लेट इट हैपन मैन। राज प्लीज मेरी बात सुन। राज क्या हुआ आज? कैरी, मैं बर्बाद हो गया है। क्यों? मेरी वाइफ ड्रग स्मगलर निकली है। स्मगलर? क्या आप उसको पॉकेट मनी नहीं देते थे? सब फॉलो मी सब। पुलिस, नोबडी विल मूव। होल्ड इट, नोबडी विल मूव मैन। Passport. Give the passport, man. Give it to me. Give the passport to me. हाँ, यूरोप घूमने के बहाने ये सब कर रही हैं आप? एक फुल तीन माली? अरे आपके करेक्टर को तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल देना चाहिए भाभी। भाभी? कौन भाभी? अरे मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक। Big bullshit, she's a big liar. Take her away. You are under arrest, Miss Mona. No, she's not Mona. She's Anjali. She's Mona, darling of drug smugglers. Can I see her passport? See her. तो अगर ये मोना है तो असली अंजलि कौन है? पप्पी बे, गिफ्ट देने का भले लेकिन लेने का कभी नहीं। बड़ी झूले लाल, इस बार बचा ले, फिर कभी किसी छोकरी से गिफ्ट नहीं लेगा। Well, Mr. and Mrs. Taidas Patel, this is your passport. And your passport too. Please go. Thank you. Mr. and Mrs. Prakash Chaudhary, your passport. Go away from here, quickly. Mr. and Mrs. Bakhiani, and who is Anjali Khanna? Your passport. Thanks. बैठा
Who is doing this, huh? मुझसे कोई भी लड़की इस तरह की हरकत करे मुझे पसंद नहीं, ओके? हमको क्यों बोल रहा भाई? तुमको नहीं बोल रहा, ओके? हाय, तुम्हें माउथ ऑर्गन बस में भूल गए थे, बिजी लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? Yeah, I'm going to hell. मैं भी साथ चलूं? वीजा है? तुम साथ लेके चलो तो सही, वीजा भी ले लूंगी. Very funny. नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई? जी नहीं, आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मुझे से गलती हो गई. I'm sorry. No, I'm sorry. राज, तुम सचमुच के जा रहे हो? कहीं नहीं, अपने घर जा रहा हूँ. अनुकूल हाँ, रिलैक्स. Don't try all these tricks on me. Come on, leave me. Leave. Why? Leave it, I said. Leave it. Cool. Relax, okay? Yeah, yeah, relax. Just relax, yeah? वापस आ रहा? हाँ यार, बहुत हो गया अभी, मुझे ये डिटेक्टिव विटेक्टिव का काम नहीं करना.
अब मैं सोच रहा हूँ मैं इंडिया के शादी करके अच्छी सी जिंदगी बसर करूँ। क्या शादी करना चाहता है? हेलो, शादी के बाद मुझसे जरूर मिलना, क्योंकि इस आइटम में बहुत जल्दी डिवोर्स की जरूरत पड़ती है, मुझे जरूर याद करना। जरूर याद करूंगा, मैं मुंबई आऊंगा ना, उसके बाद तू मुझे एक बार मिलना, बस उसके बाद तू दुनिया के लिए यादगार बन जाएगा। बहुत मायूस लग रहे हो भाई। क्या बात है, कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं बाजू वालों को नहीं बताऊंगा। अरे क्या बताऊं यार, संजय की बीवी समझकर जिसकी मैं जासूसी कर रहा था वो कोई और निकली, और कोई और समझकर जिससे मैं प्यार कर बैठा वो संजय की बीवी निकली। अबे तूने इसे क्या बोल दिया, बेहोश हो गया ये? वो होश में भी आ जाएगा ना तो तुझे नहीं बताएगा, तू सिर्फ इतना सुन ले कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। यार देख, अगर तू बगैर सबूत के वापस आए ना तो मेरे पास नींद की गोलियां जो मैं चाय के प्याले में डालकर मैं वो सारी चाय पी जाऊंगा और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाऊंगा। ए संजय ऐसा मत करना यार। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए सबूत ढूंढ के ला रहा हूँ यार। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, अरे अरे क्या हुआ? अरे तो हर पति के खिलाफ सबूत मिल गया, देखा? अरे ये तो मेरी फोटो है। अरे साइड फेसे से चुड़ैल लग रही है, देखिए कैरी अंकल। डायल लग रही है, देखिए कैरी अंकल। अरे परकटी मुर्गी साली मंकिया, कैरी अंकल। अरे जी करता है पेट भाई दबाई देगा साली, कैरी अंकल। ये मेरी फोटो है। अरे भाई दास भाई चौधरी साहब इधर आओ। वो क्या हो गया पाल? ये देखो ये मसाज पार्लर है। ओ भाई दास भाई, मेरे को तो बोर्ड देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 अंग्रेज लड़कियां है ना मेरे बदन को दबा रही है, मेरे को मजा आ रहा है। अरे साई मैं तो फॉरेन घूमने के बहाने इधर इंग्लिश मसाज कराने आया नहीं। तो मैं भी तो गोरे लोगों के हाथों अपना बदन दबवा नहीं आया था। और मेरे कैरेक्टर के बारे में तो आप भाभी जी से पूछ सकते हो। तो चले अंदर, लेकिन अगर बीवियों को पता चला तो? हाँ यार। अरे साई एक बार अंदर जाएगा नहीं तो लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी, दोनों लोग वाइफ को भूल जाएगा, कोई गड़बड़ होगी ना तो मेरी जवाबदारी। चलो चलो जल्दी चलो। वाह पार्लर, तीनों गए अंदर। याद है कि रेशम का गोला है यार, ऐसे फिसलता है कि मजा आ रहा है यार। ओ भाई दास भाई, मैं अगर अपनी पत्नी की तारीफ करूं तो आप सुनने के मूड में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ओ आपने जंगल में कभी हथनी देखी है? नहीं देखी। ओ आप मेरे घर पे आइएगा, मेरी पत्नी को देखिएगा, एकदम हथनी लगती है। मैं मेरी पत्नी की तारीफ करूं? हाँ जरूर। आपने कभी भूतनी देखी है, सफेद भूतनी? नहीं भाई, चांस तो नहीं लगा कभी। मेरी पत्नी अगर अपने सारे बाल खोल दे तो सफेद भूतनी दिखती है। ओ भाई दास भाई, मेरी पापी के बारे में तो ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। अरे चौधरी साहब, मैंने कहा ना फ्यूज उड़ा हुआ है, वहाँ अपना बल्ब लगाने की कोशिश मत कीजिए। ओ बल्ब पर छोड़िए, मेरा तो गाना गाने का दिल कर रहा है चौधरी साहब। चिंगारी ये फॉरेन में आकर लगता है कि साली हमारी शादी बहुत जल्दी हो। सावन आग, ओ बंद क्यों कर दिया जी? अरे चलाओ भाई, क्यों मालिश बंद कर दी? चलाओ कि आप दोनों ने ऐसे ही मारना चाहिए, देखते हुए मेरे जैसे शरीफ पति को सटाएंगे नहीं। हाँ, वैसे आपकी पत्नी यहाँ आने वाली नहीं, वो तो शॉपिंग के लिए गई है, पर डोंट वरी, हमने उसे बता दिया है कि तुम्हारा पति भी मसाज पार्लर पे गया है। तो उसने कहा पहले तो तुम अच्छी तरह अपने पतियों को पीट लेना, लेकिन उसके बाद मेरे पति को भी शिकायत का मौका मत देना। क्या मतलब? मतलब राज, तुम यहाँ जा रहे हो तो? अरे तुम्हें नहीं पता इट्स अ स्ट्रिप्टीज जॉइंट? पता है तो? नहीं, तुम ऐसी जगह कैसे जा सकते हो? मैं जा सकता हूँ। ओके, इवन आई एम कमिंग। आई एम सॉरी। No. I'm really sorry. पहले तुम्हें मुझसे बोलना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। No, I don't. Come inside. Come on, baby, come on. Yeah!
you love me, no? No. No, you're lying. I know you love me. No, I don't. You do love me? No, I don't. I don't. No, you love me. No! Yes, you love me. No, I don't. Yes. Yes, you love me. No! I hate you! I hate you! I hate you! I hate you. अरे बंदा नहीं सही बंदा ठीक है धंधा खराब है क्या क्या यार क्या है दिखता नहीं है क्या है अरे धक्का मारा चला नहीं आता का अरे वॉकिंग ट्रेनिंग या वॉकिंग क्लास लिया कि नहीं गिलास अरे साइड अरे दिमाग तो खराब नहीं है मैं बेवड़ा थोड़ी है गिलास थोड़ा तो मिलेगा जब पट्टी में जाएगा पट्टी में जाएगा तू चलेगा पट्टी में चलेगा साई चलेगा मेरे साथ यार कौन है कौन है अरे बाबा जान नहीं आई एम मूलचंद चेलर बनी हाउ अबाउट यू अरे चेला अकेला सरो ये थपड़ा देगा गड़बड़े कान में क्या बोला किधर में गड़बड़ा है मेरे को क्या बोला कान में बोला थोड़ी साई में ऊंचा सुनता है देखो मशीन भी लगाया है मुखे मुखे माफी दियो मुखे मुखे अरे अंजलि कौन पीछे पड़ रहा देखा जा रहा है अंजलि भाभी अरे पापा तुम यहाँ पढ़ कैसे तुम तो झोड़ा बजाने वाली थी ना पर यहाँ कैसे एक मिनट आप प्लीज मेरे हस्बैंड को मत बताएगा मैं अभी तक यहाँ पे हूँ प्लीज हाँ अरे कैसे बताएगा वो होगा तो बताएगा ना तो क्या यूरोप टिकट तो मैं निकाल के दिया ना राज मल्होत्रा के नाम से राज मल्होत्रा व्हाट हेलो अंकल कैसा हुआ देख लिया आपने स्टूपिड अंकल मैंने आपको बोला था ना ये आदमी बदमाश है बोला था ना तुम्हारा पीछे तुम्हारा जासूसी तो नहीं करने गया अरे कर भी रहा हो अब तक तो वापस आ जाना चाहिए मैं तो यहीं पे हूँ ना अरे कैसा आएगा रंगीन तबीयत का जो है अंग्रेजी मैम गोरियां आजादी ऐसा मौका कोई छोड़ता है का अरे अंकल ये तो और भी अच्छी बात है पूछे क्यों कैसा अंजलि वहीं पर है मैं अभी उसको फोन लगाती हूँ वो ले आएगी अपने लिए सबूत उसके खिलाफ अंजलि अंजलि बोल रही हूँ मैं अरे कहाँ थी तू कितने फोन किए मैंने यार हाँ अंजलि अच्छा जल्दी से मुझे ये बता तेरे साथ टूर में राज मल्होत्रा नाम का कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है क्या राज मल्होत्रा हाँ साथ तो है अरे यार वही तो मेरा हस्बैंड संजय है क्या हाँ और मुझे अभी अभी पता चला है कि वो नाम बदल के ट्रैवल कर रहा है हेलो अंजलि 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 आर यू देयर हेलो अंजलि हेलो अंजलि अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया था वो तेरी बातें सुन के मुझे चक्कर आ गया था चक्कर आ गया था क्यों वो क्या है ना कि मुझे तेरे हस्बैंड से प्यार हो गया है क्या बात कर रही है तू मुझे पता था ये रास्कल ऐसी ही किसी वजह से वापस नहीं आया है लेकिन तू इतनी श्योर कैसे है कि वही तेरा हस्बैंड है अरे आज ही हमारे ट्रैवल एजेंट ने मुझे बताया कि उसने राज मल्होत्रा के नाम से टिकट लिया है क्या बात कर रही है अब तो मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी मैं अभी उसके पास जाके उसको पूछूंगी कि शादीशुदा होते हुए उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया होल्ड ऑन अभी ऐसा कुछ मत करना क्यों व्हाट अगर तू उससे ये सब डिस्कस करेगी ना तो ही विल बिकम अलर्ट मैं चाहती हूँ तू इस किस्से को आगे बढ़ाए ताकि बाद में ना मैं तुझे उसके खिलाफ कोर्ट में पेश करूंगी गवाह की तरह ए तू क्या बात कर रही है आई कांट डू ऑल दैट अंजलि देख मुझे पता है ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो यार तो ये नहीं चाहती कि हम दोनों मिलके उसको सबक सिखाएं हाँ मैं कैसीनो से बोल रहा हूँ मैंने उससे बात की है वो मुझे मिलने आ रही थोड़ी देर में मैं जानता हूँ वो तेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है तू जो कहेगा वो वही करेगी तू एक काम कर आज रात तू उसे अकेले कमरे में बुला आर यू मैड मैं देखना चाहता हूँ कि वो तेरे साथ इस बात को कितना आगे बढ़ाती तू क्या चाह रहा है यार मैं अपनी दोस्त की वाइफ के साथ ऐसे बात बढ़ाने वाली बात कैसे कर सकता हूँ तू पागल हो गया है माय लाइफ इज इन मेस मैन यही मौका है उसको एक्सपोज करने का अगर आज रात वो अकेले तेरे कमरे में आ जाती है ना देख लेना मैं उससे 100% डिवोर्स दे दूंगा इस मौके को छोड़ना मत ओके आई विल डू दिस कहीं उसने इस मौके का फायदा उठा लिया तो क्या रे सर प्रॉब्लम ये है कि आपकी बीवी भी ऐसे मौके की तलाश में रहती है शट अप ओके होटल के कैसीनो में वो मेरा इंतजार कर रहा है अच्छा मैं वही जा रही हूँ अब वो तुझे पाने के लिए कुछ भी कर देगा तू एक काम कर उसे अकेले रूम में बुला अंजलि और फिर अगर उसने तेरे साथ रूम में अकेले में कोई ऐसी वैसी हरकत की मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी अंजलि प्लीज डू दिस फॉर मी यार बाय राज यहाँ क्यों बुलाया तुमने मुझे वेल तुमसे ये कहने के लिए कि आई लव यू लगता है जैसे पर लगे हो अंजलि मैं भी खड़े खड़े उड़ रहा हूँ कम लेट्स प्ले अ गेम कम ऑन अब तक तो हम एक दूसरे को आजमाते रहे लेकिन आज अपने आप को भी आजमा ले ये खेल कब खत्म होगा
मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये खेल कब तक चलेगा। काफी बोर हो गया मैं इस खेल में। Let's stop it, man. Let's stop playing. वैसे भी जिस मशीन के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो उस मशीन के साथ खेलना नहीं चाहिए, अक्सर इंसान हार जाता है। राइट, चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? जहाँ तुम कहो। मेरे कमरे में? नहीं, मेरे कमरे में, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओ, दरवाजा भी खुला छोड़ा है। हाय। पहली वाली की माँ है यार, क्या बात है, बड़ी सस सवर के लेटी हुई है। हाँ, आज तुम भी बड़े मूड में लग रहे हो। ऑफ कोर्स मैं बड़े मूड में हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तड़प रहा था कि मैं कब अपने दिल की भड़ास निकालूं। मिस्टर राज मल्होत्रा, मुझे भी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि कब मैं इस दिल की आग बुझाऊंगी। यानी कि आग आपके दिल और जिस्म में बराबर की लगी हुई है और आप तड़प रही हैं अपने दिल की आग मेरे जिस्म के हवाले करने के लिए। मगर माफ कीजिएगा मैडम अंजलि, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जो आप चाहती हैं, इसलिए कि मेरा एक क्लास एक स्टेटस है, मैं तुम जैसी थर्ड ग्रेड लड़कियों का मुंह नहीं लगाता। What do you mean? चलाओ मत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम नहायत ही फ्लर्ट फ्रॉड और थर्ड ग्रेड किस्म की गिरी हुई लड़की हो। ए, माइंड योर लैंग्वेज, मुझ पे इतना बेहुदा इल्जाम लगाने से पहले खुद की शक्ल आईने में देख। क्या हो गया मेरी शक्ल को? लोफर, आवारा, जंगली, सीधी साधी लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाला कितना बड़ा कमीना है। मैं तो कहती हूँ कि तुम मर्द जात के नाम पे एक धब्बा हो। धब्बा तो क्या, धब्बा क्या पाओ? ओके, ऑलराइट, तुम जो चाहती थी वो मैंने नहीं किया तो तुम्हें बुरा लग गया? कूल डाउन, रिलैक्स। जब तुम्हारी चाल मुझ पर नहीं चली, जब तुम्हारी दाल मेरे साथ निकली, तो बड़ी सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही है। हाँ, मैं सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही हूँ। खुद शादीशुदा होके दूसरी लड़की को देख के लात टपकाते फिरता है। हेलो हेलो, किसने कह दिया तुमसे कि मैं शादीशुदा हूँ? ओ, तुम्हारी खुद की बीवी ने। मेरी बीवी का पता हुआ यार? बहुत साल पहले। शट अप, खुद शादीशुदा होकर बकवास कर रही है मेरे बारे में। मैं शादीशुदा हूँ? वाह, अब मैं शादीशुदा बन गई। बाय द वे, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ? तुम्हारे पति ने। ओ, अब मेरा पति भी हो गया। पैदा नहीं हो गया, he is there and I talk to him every day. Daddy, don't try to make me fool. How dare you touch me? Yes, what can I do for you, sir? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप जो करेगा हम करेगा, तुमको कुछ करने का जरूरत ना। हेलो हेलो अंजलि, जल्दी बता क्या हुआ? जैसा तूने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हेलो, हाँ जल्दी बोल क्या हुआ। कुछ नहीं यार, तुझे जैसा तूने सोचा था ना वैसे कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल उसने ना सिक्योरिटी के दो आदमी मंगा रखे थे और उन दो आदमियों ने मुझे बड़ा मारा है यार। नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। दरअसल ना मेरे हिसाब से तेरी वाइफ बड़ी शरीफ औरत है यार। अच्छा, तो शरीफ औरत है? हाँ, ऐसा मेरा ख्याल है यार। तूने उसे रूम में बुलाया था और वो आया था? आया था। उसने तुझे कमरे में बुलाया था? हाँ। और तू कमरे में गया था? हाँ। और फिर वो तेरे साथ थोड़ी देर था? हाँ। और फिर वो अच्छा आदमी हो गया? उसके बाद तो शरीफ हो गई है। हाँ यार, उसके बाद तो आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर। वो क्या है, ज्यादा बात करने का चांस मिला नहीं, वो पुलिस ने मुंह तोड़ दिया था ना। हाँ, तो बोलती बंद हो गई थी उसके बाद से। लेकिन एक बात बताऊ, वो बाकी सब झूठ बोल रही थी मगर लड़की बड़ी शरीफ औरत है यार। लेकिन संजय, तेरा ये सब पूछने का मतलब क्या है? मतलब ये है डार्लिंग, मेरे हस्बैंड में यही तो खूबी है, जिस लड़की के साथ वो थोड़ा सा वक्त बिता लेता है फिर वो लड़की उसी के गुनगाने लगती है। शेम ऑन यू अंजलि, शेम ऑन यू। यार संजय, यार तेरे लिए मैंने अपना दो बार मुंह तुड़वाया, एक बार दिल तुड़वाया, तू मुझ पर शक कर रहा है? यार तेरा तो भगवान भी भला नहीं कर सकता, हरामखोर। दिस इज राइट, राज मल्होत्रा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरा माइंड का शॉर्ट सर्किट हो गया है, धूं सा छूट गया दिमाग का। मुझे तो लगता है आपकी बीवी CIA की एजेंट है। एक ही रात में उसने राज मल्होत्रा को अपनी तरफ मिला लिया और आपको सर से पांव तक हिला दिया। मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा सब। ओह माय गॉड, तुम यहाँ? तुम तो यूरोप टूर पे गई थी ना? यूरोप टूर पे मैंने अपनी सहेली को भेज दिया था मेरी जगह, ताकि मैं यहाँ रहकर तुम पे नजर रख सकूं, समझे? ओहो, वेरी स्मार्ट है। जानेवन सच तो यह है कि मैंने भी अपना एक दोस्त उसी टूर पे भेज दिया था। ओह, आई सी। डैडी कमाल हो गया। तुम मिनट छाप रहे, मिनट छाप रहे ना। संजय की पत्नी जिंदाबाद है, चोटी वाला जिंदाबाद। जिंदगी भर हम उनको लूटते रहेंगे, केस को लंबा चलने दो। अरे चिंगम होगा तरह मेटरवा खींचने दो। बापू नौकरी गई,
अरे कैस भी गया, भाग ले बापू, निकल ले बेटा। कसूर उनका नहीं, हमारा है। हमने कभी एक दूसरे पे विश्वास किया ही नहीं संजय। अंजलि, विश्वास एक ऐसा समंदर है जिसमें शक की एक हल्की सी मौज भी उठती है ना, तो एक ऐसा भयानक तूफान खड़ा होता है कि उसमें सब कुछ डूब जाता है, और हम उस तूफान में डूबते डूबते बच गए। संजय, प्रॉमिस मी कि हमारे साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं। संजय, तुमने कभी ये सोचा है कि हमारी इस सब गलतफहमी में राज और अंजलि का क्या हाल हो रहा होगा? बड़ी योड़ा पच्चा है, पर उल्लास नगर वाली बात नहीं है। उल्लास नगर तो उल्लास नगर है। तुम भी स्ट्रेंज आदमी नहीं। उल्लास नगर में बैठ के बोलता यूरोप अच्छा, यूरोप में बैठ के बोलता उल्लास नगर अच्छा। एक बात बोलो नी, बाहर निकलने के लायक ही नहीं है। अरे साईं, अपना काम करो नी। एक बात कहूं चौधरी साहब, एक बात जाता है चाहत की बात ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। दिल दीवाना तू न आना, दिल की बातों में सोच ले। ओए राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। मुझको रोका प्यार है क्या एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। ओ हो, मैंने अपने दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका प्यार है क्या एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। जान गवा बैठा जिसने खेला ये खेल दिलों का। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो, दिल टूट जाता है। प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। ओ, प्यार में अपनी जान भी हो जाती है चीज पराई, दिल में बसने वाले अक्सर होते हैं हर जाई। हमने भी ये तब जाना जब चोट जिगर पे खाई। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो, दिल टूट जाता है। चाहत की बात ना करियो डरियो, दिल टूट जाता है। दिल दीवाना तू ना आना, दिल की बातों में सोच ले।
दुनिया देखी, गुड एक्सपीरियंस। हाँ, इसी एक्सपीरियंस की कमी थी जिसके लिए उस दिन तुमने शादी के लिए इनकार किया था। बताओ अब शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अबे शादी की बात मत कर, वरना फिर मेरी बेटी फिर नाराज होके कहीं यूरोप के टूर पे चली जाएगी। हाँ नहीं नानी, अब आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी। आई हैव नो कंप्लेंट्स। अरे वाह, अगर मुझे पहले मालूम होता कि मेरी बेटी यूरोप जाके अपने ख्यालात इतने बदल देगी तो मैं इसकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ यूरोप में ही कराता। मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी है, जिंदगी के मेरे सारे टेंशन दूर हो गए। भाई साहब शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। अरे तू जाके जल्दी शादी का फर्स्ट क्लास इंतजाम कर बस। आप देखते रहिए भाई साहब, दिल्ली का नंबर वन केटरर और नंबर वन टेंट वाला पकड़ के लाता हूँ। ओ भाई शेखर, ओ भाई जल्दी से सामान उतार दे फटाफट, और टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। अरे चौधरी, चौधरी आप कमाल है। और भाई यूरोप टूर के बाद तो आपकी बहुत याद आई थी, और भाभी जी की भी बहुत याद आई। भाभी जी की राखी वाले दिन आपको बहुत फोन कर रही थी। और भाई फोन तो मैंने भी किए थे, एक फोन किया कोई नहीं मिला, दो फोन किए कोई नहीं मिला, तीन फोन किए कोई नहीं मिला, और साहब मैं चुप। कोई मिलेगा कैसे, मैंने गलत नंबर दिया था ना। गलत नंबर? ये वो अंजलि तो नहीं? अंजलि कौन? वही टूर वाली अंजलि, राज वाली अंजलि। वो पीछे से तो अंजलि दिखाई दे रही, और जी टर्न होना जरा। ओए तो अंजलि है। अंजलि देखो भाईदास भाई, मैं तो पीछे से। चौधरी जी आप, भाईदास भाई आप। ओ कैसी हो पुत्र, कैसी है तू? ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे यूरोप में लग रही थी। अरे तुम एक दूसरे को जानते हो? ओ भाई जानते क्या है जी, पहचानते भी हैं, टूर पे जो मिले थे। भाई मैं तो ये जानने के लिए बेचैन हो रहा हूँ कि एंड में तेरे और राज के चक्कर का क्या हुआ। चौधरी जी ये मेरे डैडी और ये मेरी मम्मी। माँ बाप तो सभी के होते, तू मुझे पहले ये बता कि राज के साथ तेरा झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं, और ये शादी किसकी हो रही है? ओए, शादी अंजलि की हो रही है, और किसकी हो रही है? एक मिनट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तू राज को टूर में मिली हा? हाँ। तेरा राज के साथ झगड़ा हुआ, अभी तू शादी राज के साथ कर रही है किसी दूसरे के साथ कर रही है? हा? ये राज कौन है? मैं किसी राज को नहीं जानती। आप दोनों को यहाँ पे किसने बुलाया? बंगले के मालिक ने, मुझे टेंट लगाने के लिए और मुझे कैटरिंग करने के लिए। अच्छा Who are you? Who am I? I am the boss of this bloody bungalow. अरे बंगले का बॉस है ये। हाँ बॉस। जाओ अपना काम करो, और सुनो किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, समझे? पता नहीं कौन से नमूने ले आया। आप ही ने कहा था दिल्ली के सबसे कमाल का आदमी है, मेरे को नमूना बोल रहा है। क्यों पादास भाई, मैं किसी भी एंगल से आपको नमूना दिखाई देता हूँ। आज शुभ दिन है, मुझसे झूठ मत बोलवाओ। ओ भाई टेंट लगवाओ जल्दी जल्दी। बेटे जब से तू भवन से आया एकदम देवदार बन के बैठा, ये कोई तरीका है क्या? सच्चन बता मैटर क्या है? जाती बात नहीं करने का, पैसे पूछो। कोई पूछता है कितने तेरा मूड ऑफ कर दिया है, मैं उसकी जिंदगी की लाइट ऑफ कर दूंगी। कौन ऑफ हो गया, मुड़वा किधर है, उड़ा डालूंगा। अबे चुप कर, दिन भर पीता रहता है, सोता रहता है, उठता है तो साला उल्टी सुलटी बातें करता है, मुर्गा के जरे उड़ा डालूंगा, ये कोई तरीका है क्या? दादाजी व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद माय ब्रदर? बेटे कहीं ये रोमांस का चक्कर तो नहीं है? ओह माय गॉड की बज गई, डेफिनेटली रोमांस का चक्कर है। हेलो, ओ भाई राज मैं बोल रहा हूँ, चौधरी। कौन चौधरी? ओ भाई वो फिर तो तेरे से बोली मैं ना, क्या कहना, यूरोप टूर वाला चौधरी। हाँ चौधरी जी बोलिए बोलिए। ओ भाई यूरोप टूर के बाद हमने तो सोचा था कि अंजलि की शादी तेरे से होगी, लेकिन अंजलि तो अकेले यहाँ शादी कर रही है। अंजलि की शादी? अच्छे माँ बाप है इसके, दूसरी शादी भी धूमधाम से कर रहे हैं। ओ खोते, पहले पहली शादी होगी फिर दूसरी शादी होगी ना, बल्कि वो तो ये समझ रही है कि तेरी शादी पहले से हो चुकी है। क्या अंजलि की शादी नहीं हुई अभी तक? मेरे दोस्त की वाइफ नहीं है? दोस्त को मार गोली यार, वो सिर्फ तेरी वाइफ हो सकती है और किसी की वाइफ हो ही नहीं सकती है। फटाफट दिल्ली आ जा। ओ तू सोच रहा होगा कि हीरोइन तक पहुंचेगा कैसे, तो सुन मेरे भाई, हीरो हीरोइन तक पहुंचाने का जिम्मा हमारा, और अगर नहीं पहुंचा सके ना तो हमारे ब्यूटीफुल फेस पे तू थूक देना। और तू तू मेरे मोबाइल का बिल मत बढ़ा यार, जल्दी से फ्लाइट पकड़ के आ जा तू यार। अरे फ्लाइट से क्या, मैं उड़ के आ रहा हूं, मैं दौड़ के आ रहा हूं, मैं तैर के आ रहा हूं। मम्मी डैडी दद्दू दादी निर्मल, मैं जा रहा हूं और इस घर की बहू ला रहा हूं। देख ये सीढ़ियों से ऊपर जाना, फिर राइट में मुड़ जाना, फिर लेफ्ट में मुड़ जाना। हाँ वहां लड़की का दरवाजा होगा, खोल के अंदर चले जाना। ओके चलो हम लोग चलते हैं। दिस इज वेरी बैड, थू
और राजू यार उसके बड़े दांत वाले बाप को जानता नहीं है, बड़ा खड़ूस आदमी यार, मैं टेंट कैंसिल कर देगा। मिस्टर चौधरी दिस इज वेरी बैड थू, यहाँ पे थूकना मत, मार्बल है, हम लोग फिसल जाएंगे। कम ऑन मैन, कम ऑन, चलो चलो, जैसे बताया था वैसे किया मैंने। गड़बड़ नहीं की। अरे सुनो, ओ जी मुंह पे हाथ सुनाई नहीं दे रहा है। अबे पीछे मुड़ेगा तभी तो सुनाई देगा ना। मुड़ने के लिए कहोगे तो मुड़ेंगे ना, सुनने के लिए कहोगे तो कैसे मुड़ेंगे हम लोग। अरे ये केटरिंग वाला है ना, और ये टेंट वाला, टेंट वाला। और तुम ये नहीं माना। अबे या भाई ऑर्केस्ट्रा मैन है। अबे ऑर्केस्ट्रा मेरे सर के ऊपर बैठ के बजाएगा क्या? No, we just wanted to have a chat with you. If you want me to make you listen some particular number which you like. अबे चुप। And चलो, I promise I can make you listen some romantic number. क्या टेंट वाला? पता नहीं कहाँ से नमूने ले आता है तू, और फिर नमूना कह रहा है यार। ओके okay. इतनी बेइज्जती मैंने जिंदगी में एक साथ कभी नहीं झेली है। अच्छा पहले झेली है मगर इंस्टॉलमेंट में। ये मेरे फादर इन लॉ ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, मैंने भी उनकी बेटी को भरी महफिल में अपने सामने बुलाकर खड़ा ना कर दिया ना तो मैं भी उनका होने वाला दामाद नहीं। एंड राज यू आर ग्रेट रियली। मुझे कुछ तुमसे है कहना, अरे अब मुश्किल चुप रहना। अब चुप रहने से बोल पड़ेंगे हम दोनों के नैना। तुम इस कपड़े में कितनी खूबसूरत लग रही हो अंजलि। अंजलि हम दोनों गलतफहमी हो गई थी कि मैं शादीशुदा है, लेकिन मेरे यकीन मानो मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है और मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आई एम अ बैचलर, मैं अ बैचलर। और अगर तुम तैयार हो तो मैं इसी वक्त तुमको यहाँ से लेके भाग जाने के लिए तैयार हूँ। और बातचीत तब तक बंद ही नहीं हो रही है, और लाइट ऑन करूँ क्या? अंजलि अंजलि ये तुम्हारे हाथ से डर लिए, रफ कैसे हो गए? ऑन कौन है तुम? मैं राज, आप कौन? मैं अंजलि की माँ। ये क्या कह दिया? बेटी के नाम से इतना भड़क रहा है तो बीवी का नाम सुनेगा तो गोली मार देगा एकदम। चौधरी साहब वो दंत मंजन आ रहा है, कहाँ है वो? वो देखो वो कह रहा था कि हमारी बेटी को भगा के ले जाएगा। अबे क्या बोल रहा था मेरी बीवी को? तू मेरी बेटी को भगा के ले जाएगा? या आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, अगर आप लोगों ने मेरी अंजलि की शादी कहीं और करने की कोशिश की तो मैं अंजलि को भगा के ले जाऊंगा। बाप का राज है। या आई एम राज, मेरा नाम राज है और मैं अपने बाप का राज हूँ, इसलिए क्या मेरा नाम राज है। अबे देख मैंने तेरे जैसे सड़क छाप मजनू कई देखे हैं, तू चुपचाप जाता है यहाँ से या बुलाऊं पुलिस को? ओके यू आर कॉल पुलिस, यू आर कॉल पुलिस, तो मैं भी पूरी महफिल में चिल्ला कर ऐलान कर दूंगा कि आपकी बेटी और मेरा चक्कर था और 16 दिन और 17 रातें हम लोग एक साथ यूरोप में थे। उसमें शायद ही कोई शरीफ आदमी होगा जो अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ करेगा। अजीब आदमी हो तुम, जिस लड़की के साथ तुम प्यार करते हो उसके माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? देखिए अगर आप लोगों ने अंजलि की शादी कहीं और करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों की बहुत बेइज्जती करूंगा, और अगर आप लोगों ने उसकी शादी मुझसे की तो मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करूंगा। आई वॉश योर फीट। अबे ओ मजनू की औलाद गौर से सुन मेरी बात, मेरी बेटी की शादी तेरे साथ नहीं होगी। देखिए आप भी मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए कि आप ही मेरे फादर इन लॉ बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे एंड बनेंगे मैम।
ओ अब तक आया क्यों नहीं है ये? ओ राजू, ओ तू वर्ल्ड का पहला जासूस है जो कुत्ते की जगह गधे को लेके घूम रहा है यार। अरे क्या बताऊं, पूरे शहर की गाड़ियां बंद है, आप अकेले चले आए, इस गधे ने साथ दे दिया, वरना मैं कल सुबह तक नहीं पहुंचता। मैं काम करता, मैं यहां से चल जाऊं। पर तू क्यों चढ़ेगा? सीधी बात है, आपका वेट कितना ज्यादा है, आप कैसे चढ़ोगे ऊपर? ओ भाई मेरा वेट ज्यादा है, पर मेरी बात का वेट भी तो ज्यादा होगा ना। वो कैसे? ओ भाई जब मैं इस वेट से ये कहूंगा कि तू शादीशुदा नहीं है, तो उस बात का वेट तो अपने आप ही होगा ना। आपकी बातों में तो वेट है, अब हमें और वेट नहीं करना चाहिए। चलो चढ़ते हैं। आई चल, तेरे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है यार। कर लीजिए, मैं भी काम आऊंगा आपके। ठीक है, ऐसी जासूसी करूंगा कि आप जिंदगी में याद रखोगे। जो लगाइए, जो लगाइए, बस बस जल्दी जल्दी चढ़ जाइए। और आज चढ़ जाइए चौधरी साहब। चौधरी साहब हो के नहीं, अगर नहीं हो तो मैं चलूं? ओए अबे चुप, क्या हो रहा, क्या कर रहा यार? ओए सुन तो सही। अरे क्या सुनू, जिसकी सुननी उसकी तो बोलती ही बंद हो। ओ देख तो सही। अरे क्या देखू, देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना। ओ मैं हूँ। अरे मैं भी हूँ, लेकिन वो रानी ना। ओ मैं हूँ चौधरी, है? ये देख। क्या है? अबे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका वेट बहुत ज्यादा है। अबे मेरा वेट ज्यादा है तो मेरी बात का वेट भी तो ज्यादा ही होगा ना। बात लेकिन ऐसे ऊपर कैसे जाएंगे आप? ओए ये बहन जी के गले में रस्सी डली हुई है ना, इसको लेके आ। एक्सक्यूज मी बहन जी, मगर इससे क्या होगा? अब इसको बांध। ओ मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ओ गले में नहीं यार, कमर में बांध यार। ओ गले में कोई रस्सी बांधता है क्या? अच्छी तरह बांध, मेरे साइज की है ना, लग तो रही। यार जल्दी बांध यार। बांध दिया, बांध दिया। अब इसको खींच। हाँ है ना। हाँ ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑल आवाज कैसी? मैंने आपसे कहा था कि आपका वेट ज्यादा है। मेरा वेट ज्यादा तो घबरा मत, मेरी बात का वेट भी ज्यादा होगा। अच्छा हाँ चलिए फिर ट्राई। हाँ ट्राई कर तू। ठीक है ओके। Let me see you. Okay. Oh no. Oh shit. चौधरी जी, वो आदमी आ गया था। मैंने आपसे कहा था कि आपका वेट बहुत ज्यादा है। ओ मेरा वेट ज्यादा है तो मेरी बात का वेट भी बाद में ज्यादा होगा। तो अब क्या करें? ओ तू ऐसा कर, ये है ना, ये क्या है ये? और गधा, ये गधा दिखाई दे रहा है ये? चोट की वजह से मैं तो इसका नाम भी भूल गया यार। तू है ना, इसको ये रस्सी बांध और इसमें बैठ जा और फिर खींच, पेट है ना बराबर हो जाएगा यार। ओके आई विल ट्राई टू डू दैट। आप भरोसा रखिएगा मुझ पे। जल्दी बांध। ओके लकड़ी से चौधरी साहब, चौधरी साहब आप हो के गए? अरे मैंने कहा था आपका वेट ज्यादा है चौधरी। तू यहाँ क्या कर रहा है? आपने 60 क्रॉस कर दिया क्या? 60 क्यों? आपको गधे और घोड़े के बीच फर्क नजर नहीं आ रहा? गधा, गधा, अरे गधा, गधा वहाँ क्या कर रहा है? आज बाहर टैक्सी की स्ट्राइक चल रही है ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी बेटी को गधे पे भगा ले जाऊं। ये कभी नहीं होगा। तू तू जा पाएगी नहीं यहाँ से। ठीक है मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन अगर आपकी बेटी की शादी में देख लूंगा मैं आपको। क्या क्या करेगा? देखिए जो करते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, लेकिन मैं करूंगा भी, बोलूंगा भी, गरजूंगा भी, बरसूंगा भी, आप समझेंगे लेकिन नहीं समझेंगे, मगर रहन में जब दिए आएगा ना तब तक आप सब समझेंगे, क्योंकि वो हमारे लव की बिगिनिंग होगी। इसकी बातों में दम लग रहा है।
हाय जीजू। हाय। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। अरे छोड़ो। अच्छा ये बताइए, दीदी ज्यादा सुंदर लग रही है या मैं? हाँ? ओ राजू, ओ क्या ढूंढ रहा है तू? I want आरी। ओ आरी तो मेरे टूल बॉक्स में पड़ी है यहाँ पर, ये ले। वाओ। ओ थैंक्स। ओ मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, तू इस आरी से मंगनी को जारी होने से कैसे रोक सकता है? ना रहेगा बम्बू, ना रहेगा तंबू, ना रहेगा टेंट और ना होगी एंगेजमेंट। ओ कमाल है यार, तू मेरी आरी से मेरे एक बम्बू को काटेगा, दो बम्बू को काटेगा, तीन बम्बू को काटेगा। ओ राजू आरी को करा चुप। हेलो माय फादर इन लॉ। गधे क्या कर रहा तू? हेलो। अरे भूतनी के तंबू गिर जाएगा। आप ये शादी रोकते हैं कि नहीं? नहीं ये शादी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो फिर ये आरी भी नहीं रुकेगी। अरे खट पकड़ो पकड़। अबे क्यों जाहिल की तरह हरकत कर रहा है? जरा सोच मेरी इज्जत का क्या होगा। अभी थोड़ी गिरेगा, अभी इज्जत का एक तोड़ेगा और तो गिरेगा। अरे गिरने मत देना। अबे हिल तो मेरा भी रहा है, तू पकड़ के रखना। तंत्री जी नजर नहीं आ रहे, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे भाई लाओ एक दूसरे को अंगूठी पहना दो। अरे बेटी अंगूठी कहाँ है? मम्मी ला रही है। हे राम ये तंबू क्यों उखाड़ रही थी? अरे उखाड़ मैं नहीं रहा हूँ, उखाड़ तुम हो रहा है। मैं तो उखाड़ चुका हूँ, उसे रोको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इसको कहाँ रखा? वाओ मना नहीं ला जो डरते हैं महान। अरे वो पकड़ो भाई दी, पकड़ो। इसमें है क्या? दूल्हे की अंगूठी। वाओ ये तो मैं पहनूंगा। अबे क्या कर रहा है? मंगनी की अंगूठी पहन रहा हूँ। अरे रोको उसे। यू कैच दिस बाम्बू, डोंट कैच मी, वरना तंबू गिर जाएगा। वाओ आप मेरे आधे फादर इन-लॉ तो बन गए। यू आर ग्रेट। अबे जा कर रहा है ये चौथा बम्बू तोड़ने के लिए। अरे वो कौन पकड़ेगा रे? मैं थोड़ी पकड़ूंगा। अरे रोको उसे। मम्मी आ जाएगी जीजू, तब तक अंगूठी पहना दीजिए। लो बेटे। ओ दीदी कम ऑन। हेलो साहब। ओ हेलो साहब, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे गंदे लड्डू गिरा दिया, तंबू गिरा दिया। ये सब इसकी कारिस्तानी है, इसकी। आप ठहरिए मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। देखना जेल में भेज के चक्की पिसवाऊंगा तुझसे। चक्की पिसूंगा मैं? चक्की पिसूंगा मैं? क्यों, क्या गुनाह किया मैंने? क्या कसूर क्या मेरा? कोई चोरी की है मैंने? कोई ढाका डाला है? चोरी इसने की मेरे दिल की, ढाका इसने डाला मेरे दिल पर, और चक्की मैं पिसूंगा? क्यों, कोई मैंने आपकी बेटी की जिंदगी में आग उगल दी है या अगवा कर लिया उसको? क्या किया मैंने? पहले मंडप गिरा दिया, भाग लगा रहा है ये। आप चुप रहिए, मजाक करने का वक्त ही है। हाँ क्या किया मैंने आपके साथ? कोई कोई हार लेकर आपके गले में डाल दिया, या इन्होंने हार लेकर मेरे गले में डाल दिया इस तरह से, या मांग में सिंदूर भर दिया इसके इस तरह से? चुप रहो तुम, आज तुम सुनोगे और मैं बोलूंगा। हाँ क्या है तुम्हारी मम्मी? इधर है। क्या मैंने आपसे पूछा नहीं था कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ? पूछा था कि नहीं एक शरीफ आदमी की तरह मैंने? वो डैडी कहाँ है आपके? डैडी आप उनकी दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे नजर क्यों नहीं आ रहे वो? हाँ क्या मैंने आपसे पूछा था? हेलो क्या मैंने आपसे पूछा नहीं था कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ? शरीफ आदमी की तरह पूछा था कि नहीं मैंने? अरे आप लोग इससे पूछिए, इसके धड़कते दिल से पूछिए, जमीन से पूछो, आसमान से पूछो, हवाओं से पूछो, फिजाओं से पूछो, अंधेरों से पूछो, उजालों से पूछो, चांद से पूछो, सितारों से पूछो, आंधी से पूछो, तूफान से पूछो, मुझसे पूछो, मेरे बाप से पूछो, इससे पूछो, इसके बाप से पूछो, मेरे घर के चाचा कार्टून से पूछो। अरे मैं कहता हूँ और तो और इन पत्तियों से पूछो, इन पत्तियों के पीछे जलती पत्तियों से पूछो, इस बिखरे हुए कालीन से पूछो, गिरे हुए तंबू से, टूटे हुए बम्बू से पूछो, पूछो जर्रे जर्रे तिनके तिनके से कितना प्यार किया मैंने इससे। हर अगर आप अभी से मेरे प्यार पे यकीन नहीं तो निकाल के फेंक दे इस मंगलसूत्र को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से एयरपोर्ट। अच्छा बला टली, सुनिए शादी कर ले। काहे की शादी? आपकी बेटी के साथ फेरे तो हो चुके और मंगलसूत्र भी बना दिया। हाँ। कन्यादान करना बाकी, वो भी कर दो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे गोली मार दूंगा। हाँ। और गोली मारो या बम, हम चले। चल बेटा पहल बनाती हो, जाइए जाइए। भाई साहब ये लोग जा रहे हैं। अंजलि एक्चुअली मुझे तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। जिस राज मल्होत्रा से तू प्यार कर बैठी थी ना फॉरेन में, वो राज मल्होत्रा मेरा पति नहीं, मेरे पति तो ये है। क्या? हाँ। वो जो राज मल्होत्रा है ना, वो मेरा दोस्त है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो शादीशुदा नहीं है, बिल्कुल कुंवारा है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका दोस्त मिस्टर राज मल्होत्रा कुंवारा नहीं है, ही इज अ मैरिड मैन। क्या? उसने अभी अभी मेरी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र डाला और मेरे साथ फेरे लिए हैं। दादी
इसके पहले कि मैं लेट हो जाऊं, मैं उसे जाके रोकना चाहती हूँ। जाओ बेटा, जाओ। हाँ, वो आएगी, वो जरूर आएगी। Passengers traveling to Mumbai, kindly board the aircraft. Thank you. आएगी, आएगी। उसे आना ही होगा। तेरी तो कैसी गाड़ी चलाती है? अभी बराबर करता हूँ। This is the last and final call for Mr. and Mrs. Raj Malhotra. Kindly board the aircraft immediately. Thank you. Hello, Inspector. बाहर निकल। मुझे जाने दीजिए। मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेरा एयरपोर्ट पहुँचना बहुत जरूरी है। जहाँ पहुँचाने का है सब पहुँचाएंगे। हाँ, बाहर निकल। साहब किसकी? अबे गाड़ी की, फिर चलते हैं पुलिस स्टेशन। प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे मेरे हस्बैंड को रोकना बहुत जरूरी है। पहले चालान मारूंगा, फिर चांस मारूंगा, फिर। शट अप इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। अंग्रेजी बोलती है। चल पुलिस स्टेशन, तुझे हिंदी सिखाता हूँ। चल चल चल। हम कोर्ट में दिमाग से लड़े तो बाजीगर का शाहरुख खान हो, मुकल्ला से लड़े तो जुड़वा का सलमान खान हो, और जज्बा से लड़े तो सरफरोश का आमिर खान हो। अबे हराम खोर, मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन सा खान हूँ। अरे तू कहेगा खान है तो थूका वो पान लगता है, सड़ावा का तक किमान लगता है, अरे कुत्ते जिसे खाए वो नान लगता है, बात करता है। हट, आओ पकड़ा हम का। आवा आवा आवा, अरे आवा आवा आवा, कबड्डी 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 कबड्डी। डबल रूल, डबल रूल, वो बाप और मैं बेटा। हमने माल बनाने के चक्कर में दुनिया को लपेटा, कई घर तोड़े हैं। आपके प्यार को तोड़ने में भी हमारा ही हाथ था। क्या? लेकिन अब आपके प्यार को बनाएंगे। आउट हो गया, ए निम कर दिया, ए पहुंच जा उसके एयरपोर्ट पर। चला, कम ऑन, लेट्स गो ऑन द मोटर बाइक, कम ऑन। या ऑल पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू फास्टन देयर सीट बेल्ट। ओह नो, सभी यात्रियों से ये निवेदन है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए बांध लें। अंजी, की गल है? तुसी बड़े उदास लग रहे हो जी। मैनू तेरे बारे में सब पता है, तू बड़ा रोमांटिक किस्म का बंदा है, बड़ा फ्लर्ट टाइप का बंदा है। पापा जी बोर मत करो यार। ओए, तू लड़कियों को फ्लैट में बड़ा छेड़ता है, तू उनके गाल को इस तरह से पकड़ के इस तरह से खींचता है, उनके पट को इस तरह से मारता है और इस तरह से टच करता है। पापा जी, मैं कहना बिहेव योरसेल्फ। ओए, हम पंजाबी लोगों में ना बड़ी वार्म सी फीलिंग होती है, हम जब किसी को सी ऑफ करते हैं ना तो बाय बाय बादशाह बोल के इस तरह से चले जाते हैं। पापा जी, इस तरह। पापा जी, मैं कहता हूं मैन टू मैन टच की कोई लिमिट होती है। हमारे यार, मैं तुझे कितनी देर से टच किए जा रहा हूँ, तुझे कोई करंट वर्ड नहीं लग रहा क्या? पापा जी, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ यार। तो फिर तू किस टाइप का आदमी है यार? पापा जी, मैं उस तरह से लड़कियों को नहीं छेड़ता जिस तरह आप सोच। तो किस टाइप से छेड़ता है? मैं उन्हें पापा जी लड़कियों को ऐसे छेड़ता हूँ, डिंग 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 डिंग। ओ, ये क्या हो रहा है? हद कर दिया आपने। अरे तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ पापा जी, मैंने आपको बहुत देर पहले पहचान लिया था। मुझे पता था तुम जरूर आओ, अगर यकीन ना आए तो पीछे मुड़ के देखो, तुम्हें मेरे यकीन पे यकीन हो जाए। देखो, पल दो पल का ये सफर, पल दो पल का साथ, हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात, आपने समझा हो गई बिन बादल बरसात है। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। कर दी।
पल का ये सफर पल तो पल का सा हमने हंसकर आपसे यूं ही कर ली बात।